हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे बच्चों। एक बार जल्दी सी लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट फटाफट, ताकि आज की क्लास में काफी मजा आए मेरे बच्चों। आपका होने वाला है धाकड़ रिवीजन हर सब्जेक्ट का, यूट्यूब के इतिहास में पहली बार मेरे बच्चों ऑन डिमांड चैप्टर। तो क्लास टेंथ के सभी सब चैप्टर्स का रिविजन करेंगे हम मेरे बच्चों। आप जो चैप्टर कहोगे, जो सब्जेक्ट कहोगे, वो सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल चैनल पर बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। प्लीज प्लीज शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। सेशन को फटाफट फटाफट आग लगा दो, हम शुरू करने वाले हैं। अभी मैंने पोल लगा रखा है बच्चों। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है ना? ऑडियो ठीक है? ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ हाउ आर यू। आई एम फाइन मेरे बच्चों, आई एम फाइन। आप सभी कैसे हैं ये बताओ। पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? टेंशन वेंशन ले रहे हो तो लेना, थोड़ी बहुत लो, लेकिन पढ़ाई साथ साथ करते रहोगे तो टेंशन नहीं होगी लास्ट टाइम तक, ओके। और बाकी कुछ अपने बारे में बोलना हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज जल्दी से दो, क्योंकि पोल अभी चालू है। मैं बता देता हूँ मेरे यहाँ पर टाइम हो रहा है मेरे बच्चों 8:40, तो 8:45 तक ये पोल रहेगा। तब तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, क्योंकि हमने लाइक का टारगेट रखा है। पहली मेंटी स्टार्ट होगी 31st प्लस लाइक पर, और अभी आप जितना पोल कर सकते हो पोल करो, जो मतलब सब्जेक्ट जिताना चाहते हो वो सब्जेक्ट जिता लो, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ फटाफट फटाफट। रक्षित शर्मा बोल रहे हैं सर मेरा पेपर है, ठीक है मेरे बच्चे। तैयारी कैसी चल रही है? आई होप कि आप सभी फोड़ करके आओगे। कार्तिक बोल रहे हैं ओके सर, प्रणाम सर जी, ओके मेरे बच्चों प्रणाम। साहिल, कार्तिक और मेघा सानल, एनीथिंग कार्तिक, सभी टाइम पर जुड़े हैं, क्या बात है। अभिषेक दास ने क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत मेरे बच्चे का। इस बच्चे ने हमारे को सुपर चैट दी है, इसको बहुत 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 शुक्रिया एंड बहुत बढ़िया, थैंक यू मेरे बच्चा मोटिवेशन देने के लिए। अभिषेक थैंक यू सो मच। जल्दी ही 11th का स्टफ शुरू किया जाएगा मेरे बच्चा, बस आप अपने पुराने धुरंधर बच्चों को स्टार्ट करो। बिल्कुल बीच बीच में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे सेशन 11th वालों के लिए भी। और शुभम वर्मा आ चुका है, कैसे हो? रोहित, अन्विति, आज बहुत अच्छे बच्चे नजर आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे नजर आ रहे हैं लगता है। सर आपकी तबीयत कैसी है मेरे बच्चा? जो आपको बताया है कि अभी ठीक ठाक नहीं चल रही, लेकिन फिर भी ठीक है, आप लोगों को देख करके काफ़ी खुश हो जाता हूँ मैं, ठीक है ना। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, मैं बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें मेरे बच्चों। मैं पोल एंड करने जा रहा हूं। आई होप कि आपने लाइक की संख्या 31 कर दी होगी। 31 लाइक पर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जल्दी से शेयर कर दो और मजा आ जाएगा। अहानी कैसे हो मेरे बच्चा? मोनिका दोषी आ चुकी है। सर ये स्क्रीन बहुत बढ़िया आ रही है, कैसे मेरे बच्चों, क्या बात हो गई, स्क्रीन बढ़िया आ रही है मतलब। चलो 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 चलो, यस सर कल साइंस का एग्जाम है, प्रैक्टिस कराना है। चलो ठीक है, वेट एंड मत करना पोल सर। सर वेट एंड मत करना पोल, ठीक है, नहीं कर रहा एंड, नहीं कर रहा पोल, ठीक है। तो 42 हो गए हैं, 3 लाइक बचे हैं, जल्दी से 3 लाइक कंप्लीट कराओ फिर मैं एंड कर दूंगा, जल्दी करो लेकिन फटाफट। और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तब तक मेरे को एक बार लिख दो, मैं सभी को देख लेता हूँ। पोल में बाद में एंड कराऊंगा। अगर मान लो फिजिक्स जीतती है तो क्या करना चाहते हो वो बता दो, केमिस्ट्री जीतती है तो क्या पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो। थैंक यू अभिषेक, ओके चलो जल्दी से, कम ऑन कम ऑन, बताओ जल्दी बताओ। सर प्लीज़ यार ग्रामर की मेंटी भी लाना, ठीक है बेटी लेके आऊँगा। दूसरे बच्चों को बोलो कि ग्रामर जितवाए, वो इंग्लिश को जितवा दे तो ग्रामर आ जाएगी, ठीक है। सर आज तो फिजिक्स ही जीतेगी, चोर बाजार ऑलवेज फिजिक्स विन, देखते हैं देखते हैं कौन जीतेगा, फिजिक्स जीतेगी, केमिस्ट्री जीतेगी। आप जल्दी से लाइक भी करो और शेयर भी करो ताकि मज़ा आ जाए पढ़ने में। सर मेटल एंड नॉन मेटल भी कराना, बिल्कुल। अब अगले मैं चैप्टर बना रहा हूँ, अगली मेंटी बना रहा हूँ मेटल नॉन मेटल की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे अभिषेक दास का, क्या बात है बेटा, बिल्कुल शुरू करते हैं। चलो जल्दी से शुरू करते हैं, मैं पोल एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर सुपर चैट, फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर। हिंदी भी लाइएगा, हिंदी हिंदी लेकर के आएंगे, क्योंकि हिंदी में हिंदी ए और हिंदी बी का सवाल है ना, इसलिए दिक्कत हो जाती है। अब आप मेरे को बताना मेजोरिटी में कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं, हिंदी ए जुड़े हुए हैं, हिंदी बी जुड़े हुए हैं, तो सब कुछ लेके आएंगे। आपको आपके एडिशनल सब्जेक्ट को भी तैयारी करवाऊंगा जो कोई नहीं करवाता है, कंप्यूटर हो गया, AI हो गया, और भी सब्जेक्ट है बता देना मेरे को। अभी मैं एंड कर रहा हूँ, पोल एंड कर रहा हूँ मेरे बच्चों, पोल एंड कर दिया है मैंने, जल्दी सी। अब नेक्स्ट पोल बताओ, नेक्स्ट पोल क्या लगाऊँ? अभी क्या जीता है बच्चों? फिजिक्स जीत गई है 37% से। अब बताओ क्या लगाऊँ नेक्स्ट पोल में, क्या क्या लगाऊँ जो आप पढ़ना चाहते हो, जो तैयारी आप करना चाहते हो वो करेंगे हम, जो बोलोगे वो नेक्स्ट पोल लगा देंगे। करो कम ऑन, नेक्स्ट मेंटी, नेक्स्ट मेंटी का पोल लगाने जा रहा हूं, बताओ। और ये मैं करूंगा आफ्टर 45 लाइक प्लस डन। ठीक है चलो,
अब मेरे को बताओ क्या जोड़ना है सर? केमिस्ट्री, सर केमिस्ट्री मेटल एंड नॉन मेटल बिल्कुल कराएंगे मेरे बच्चा, केमिस्ट्री में मैंने ले लिया आपका अभी, चलो हो सका तो मेटल नॉन मेटल होगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है ना। केमिस्ट्री ले ली मैंने आप लोगों की, केमिस्ट्री ले ली, मेटल नॉन मेटल भी आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे मैथ्स बोल रहे हैं, मैथ्स भी करा लेते हैं, मैथ्स में आप बोलोगे तो मिक्स करा लेंगे, ठीक है ना, मैथ्स मिक्स करा लेंगे, मैथ्स हो गया। और बोलो मैथ्स के अलावा, हाँ सब आ जाएगा उसमें, ट्राइंगल विरांगल सब आ जाएगा, कुछ सैंपल पेपर करा दूंगा आप लोगों को। और बोलो, ठीक है, चलो जल्दी बताओ। इंग्लिश, इंग्लिश में बच्ची बोल रही ग्रामर एंड जो बोलोगे आप वो लेकर के आ जाएंगे। इंग्लिश लिख दी मैंने, इंग्लिश में चाहोगे तो ग्रामर, इंग्लिश में चाहोगे तो कुछ और। और क्या करना है, डेवलपमेंट या रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, चलो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट नहीं उस दिन वो नहीं था सही, तो एक काम करो SST कर देता हूँ, जो बोलोगे वो ले आएंगे SST, चलो। लेकिन 45 लाइक डन करना है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेंटी। इसमें मैं लाइट चैप्टर लानी है, इलेक्ट्रिसिटी लानी है, जल्दी लिखो अभी, लाइट चैप्टर लानी है, इलेक्ट्रिसिटी लानी है, फटाफट लिखो यार, फिर स्टार्ट करते हैं, चलो, है ना। आप जितने बच्चे लास्ट तक बने रहोगे और जितना शेयर करोगे, जितने लाइक रहेंगे, तब तक हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। अभी क्या लेकर के आना है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी लानी है या फिर कुछ और लाना है, जल्दी बताओ। सर टेंसेस करा देना, बिल्कुल टेंसेस करा। राधे राधे सर जी कैसे हो, फारिश आई एम फाइन। यस क्या बात है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं ज्यादातर बच्चे, चलो एक काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी लाने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी लाइट, चलो इलेक्ट्रिसिटी कराते हैं, बहुत दिनों बाद इलेक्ट्रिसिटी अभी तक हुई नहीं है। मैं इलेक्ट्रिसिटी लाता हूँ, एक बार ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर रखी है मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत दिन हो गए ना करीब है, तो इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, मैंने बनाई भी थी फिर बच्चों ने करी नहीं थी उसको इलेक्ट्रिसिटी को, इस कारण से इधर उधर हो गई वो। बच्चे बोल रहे थे सर पढ़ी नहीं है अभी तक मैंने, तो मैंने बनाई तो थी दो तीन, बढ़िया बढ़िया। ओके लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस डेवलपमेंट रियल नंबर, ओके एक सेकेंड रुको। फिर एक काम करो, अभी एक काम करो, लाइट चैप्टर कर लो। अब मुझे समझ में आ गया, आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ ली है, तो मैं अगली बार इलेक्ट्रिसिटी भी ले आऊँगा, अभी मिल नहीं रही तो टाइम जाएगा तो मैं ढूंढ के रख लूँगा। एक काम करते हैं, अभी एक बार लाइट चैप्टर ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे सामने ही है लाइट चैप्टर, तो मिल जाएगी, क्योंकि बार बार अपन कर रहे हैं ना इसको, तो लाइट चैप्टर लेके आ रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 स्लाइड है, जल्दी करो, लेकिन फटाफट करो, जल्दी ज्वाइन हो जाओ और शेयर कर दो वीडियो को, अपना अपना चैलेंज भी लिखवा देना। कितने बच्चे जुड़े हैं, 15, ठीक है, चार चार बच्चों का चैलेंज ले लेंगे, ज़्यादा का नहीं ले पाऊंगा, चार चार या तीन तीन बच्चों का लेऊंगा, जल्दी करो चैलेंज, क्योंकि बहुत कम बच्चे जुड़ते हो तुम, शेयर नहीं करते और वो नहीं करते, कम से कम अभी तक 50 बच्चे जुड़ने चाहिए थे, तब मज़ा आता मेंटी करने में, तब मज़ा आता, मैं और नए नए क्वेश्चन बना के लाता और मज़ा आता, इसलिए शेयर करो। सर एस्केप दबा के लिंक शेयर को ज्वाइन करना है, लिंक शेयर को ज्वाइन करना है, मतलब अंकित सर मेरे को चैलेंज दे दिया है, बॉयज़ में चैलेंज दे दिया है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि लाइट चैप्टर उसका अच्छा है तो वो बॉयज़ को टीम को जिताने के लिए तैयार रहो, और कोई गर्ल्स में हो तो वो गर्ल्स में लाइट चैप्टर में चैलेंज दे सकता है। प्रियंका का चैलेंज आ गया है, प्रियंका ने लिखा है कि सर आई एम गर्ल एंड चैलेंज देना चाहती हूँ, क्या बात है। हमारे को अनवीति चैलेंज दे रही है, अनवीति नाम की बच्ची, बहुत प्यारी सी बच्ची अनवीति जुड़ी हुई है, बहुत बढ़िया। शुभम वर्मा का चैलेंज मैंने ले लिया, शुभम काफ़ी दिनों बाद जुड़ा है, देखते हैं क्या होगा। शुभम वर्मा, इब्राह, लड़कियों में इब्राह भी आ चुकी है, इब्राह का चैलेंज मैंने ले लिया है, याची का चैलेंज मैंने ले लिया है, बहुत बढ़िया, चार चार बच्चों का लेंगे। अंकित का चैलेंज ले लिया है, अंकित नाम का बच्चा जुड़ा है हमारे साथ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। कुलदीप का चैलेंज ले लिया है हमने, कुलदीप नाम का बच्चा जुड़ा है, बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप का, बहुत बहुत स्वागत है। चलो जल्दी से बताओ, याचिका हो गया, बिल्कुल कुलदीप आपका हो चुका है, यस। और कौन दे रहा है हमारे को चैलेंज, जल्दी बोलो। प्रियंका, अनविति, मैं हाँ बिल्कुल लेकर के आ रहा हूँ, एक मिनट लिंक दे रहा हूँ आप लोगों को फटाफट, मेंटी का कोड दे रहा हूँ, उसमें ज्वाइन हो जाना, 7540, मेंटी का कोड देखो 7540 5528 5528। आप बच्चों को जल्दी से शेयर करना है और लाइक की संख्या बढ़ानी है, ठीक है। 30 लाइक हो चुके हैं, बाकी स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ानी है, कम से कम 50 बच्चे अब अपने साथ एक साथ जुड़ने चाहिए मेंटी में, तब अपने को मज़ा आएगा, तभी तो ये काम करने में मज़ा आएगा ना, मैक्सिमम बच्चे जुड़े हुए होंगे हमारे साथ तो। हाँ तो ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो ज़्यादा बच्चों का चैलेंज ले पाऊंगा, अब चैलेंज भी मैंने चार चार बच्चों का ही लिया है केवल, ठीक है ना। चलो चलो पाँच पाँच कर लेते हैं, आहानी का चैलेंज ले लेते हैं, आहानी बोल रही है मेरा भी चैलेंज ले लो सर, तो आज पहली बार लड़कियां पांच संख्या हुई है, लड़कियां आहानी हो चुकी हैं, सर मेरा ले लो। युग का ले लिया मैंने चैलेंज, युग का चैलेंज हो गया है। और बोलो
सर चैलेंज, रक्षित शर्मा बोल रहे हैं चैलेंज करो सर, रक्षित शर्मा का चैलेंज ले लिया मैंने, रक्षित का चैलेंज हो गया है। चलो फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं, मैंने आपको लिंक दे दिया, उस लिंक पर क्लिक करो, ज्वाइन हो जाओ, है ना। सभी सब्जेक्ट ऑन डिमांड पढ़ेंगे, अभी लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। फॉर्मूले वगैरह सबको याद होने चाहिए। अच्छा कोई दिक्कत आती है वो लाइट चैप्टर में तो मुझे बताओ, अपन एक लाइव सेशन रखेंगे बढ़िया वाला, उसमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। लेकिन बस आप पढ़ना स्टार्ट करो, डिमांड आती रहे, आनी चाहिए आपकी भी, आना नहीं है ऐसे स्टार्ट हुआ है। सर देश में अपनी नहीं दुनिया में देश का नाम करना है, वेरी गुड, क्या बात है, हाई जोश। अभिषेक दास बहुत बढ़िया, तो आपकी एक बहुत ही कर्मठ मतलब खतरनाक कैप्टन साहब जुड़ गए हैं आपके साथ में, अभिषेक दास बहुत बहुत स्वागत है उस बच्चे का, और हमारा और आपका सबका मोटिवेशन बढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड सर क्वेश्चन पिक में है क्या सर, आई डोंट नो, ओके ASAOP, ओके। तो चलो अगर सारे बच्चे जुड़ गए हो तो जल्दी से ASAOP लिख दो, क्या बात है। दिव्य श्रेय कुमार भी आ चुके हैं, अरे आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारे काफ़ी सीनियर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिव्य श्रेय कुमार एंड ऑल। और अब लग रहा है कि जंग छिड़ने वाली है, अब पढ़ना स्टार्ट सारे बच्चे करेंगे, अब मेरे को भी अपना जोश बढ़ाना पड़ेगा, यस अब वही जोश मुझे लाना पड़ेगा। चलो फिर से पुराने दिन आएंगे, हिटलर अपनी फॉर्म में आ जाएगा, भूतराज आ चुके हैं, एजुकेशन इज पावर, जल्दी करो शेयर करो फटाफट फटाफट, 25 बच्चे होते ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मैंने चैलेंज ले लिया है, कुछ बच्चों ने हमारे को चैलेंज दिया है लाइट चैप्टर में, लाइट चैप्टर में शुभम वर्मा हमारे को चैलेंज देके बैठे हैं, अंकित ने, कुलदीप ने, युग ने और रक्षित ने चैलेंज दिया है, लड़कियों में हमारे को चैलेंज दिया है प्रियंका ने, अन्विती ने, इब्राहिम ने, याची ने और अहानी ने। तो देखते हैं आज की पहली मेंटी की शुरुआत कौन सी टीम जीतेगी, लड़के जीतेंगे या लड़कियां जीतेंगी, देखना बाकी है, बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड टिक 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 10। और अगर सारे जुड़ गए हो तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में ASAOP लिख दो, ASAOP लिख दो, हम स्टार्ट कर देंगे, जल्दी करो लेकिन फटाफट ASAOP लिख दो, लो लिंक ले लो जो अभी नहीं जुड़े हैं, कुछ बच्चे भी जुड़ रहे हैं तो जुड़ना बाकी है, रुको बिल्कुल। आज तो क्या बात है, 30 से ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, आज लग रहा है कि मज़ा आएगा, यस धीरे धीरे 50 बच्चे अपने को करने हैं यहाँ पर इसी महीने के अंत में, रेगुलर 50 बच्चे जुड़ने चाहिए जो शेयर और लाइक से होगा। केवल लिंक दे दिया बच्चों, स्कूल पिक्स लिंक दे दिया है, ASAOP लिख दो स्टार्ट करना है तो, जो जो बच्चे स्टार्ट करवाना चाहते हैं ASAOP लिख दो, यस कम ऑन जुड़ गए सारे बच्चे, कोई बचा नहीं है ना, बस तो स्टार्ट द सेशन प्लीज, 1 2 3 4 5 स्टार्ट कम ऑन, बेस्ट ऑफ लक, कम ऑन। सर प्लीज़ दे दो, क्या दूँ बच्चा, स्कूल फीस दे तो दिया मैंने आपको, दे दिया बेटा, यहाँ पर लिंक ये रहा आपके सामने, फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाओ, बस स्टार्ट करते हैं। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, बताओ डायमीटर की बात हो रही है, ध्यान रखना डायमीटर की बात हो रही है, द डायमीटर ऑफ द अपर्चर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते हैं यार, अपर्चर बोलते हैं मेरे बच्चों, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर क्या होता है मेरे बच्चों, जो आप ये देखते हो ना मिरर हो गया, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो अपर्चर कहलाता है, ठीक है ना। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, जो मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जितने एरिए पर वो मिरर की जो लाइट मतलब मिरर पर जो लाइट आकर के पड़ती है उस एरिए को बोलते हैं अपर्चर, ठीक है ना। तो ये डायमीटर होता है, उसका डायमीटर कहलाता है वो, ठीक है ना, डायमीटर कहलाता है। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है मेरे बच्चों, आप लोगों ने तो ये काम कर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है जल्दी से बताओ, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर को नहीं, बारे में नहीं पता फिर कैसे काम चलेगा। यस हिटलर इज इनफॉर्म नाउ, एवरीबॉडी बी केयरफुल, यस कम ऑन ASAOP हाई जोश, स्टडी विद युवराज बहुत दिनों बाद जुड़ा है, युग ठक्कर टॉप कर गया है एज यूजुअल, शुभम वर्मा, इब्रा, केशव, अंकित सर सिस्टम हैंग कर देंगे, क्या बात है। अन्विती, युवराज, रोहित सिस्टम आपका स्टूडेंट, ओपन चैलेंज, आराध्य क्या बात है, कैसे हैं। चलो देखते हैं जिन्होंने चैलेंज दिया है वो सही कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 2F, एक बच्चा बोल रहा है 2F, यानी कि अगर हम फोकस का दुगना कर दें तो हमारे को क्या मिल जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाती है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, एक कॉनकेव मिरर, ध्यान रखना कॉनकेव मिरर कैसा होता है मुझे बताओ, बीच में से थिक होता है या थिन होता है, कॉनकेव मिरर बताओ, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता। कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल इमेज,
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब कॉनकेव मिरर फॉर्म करता है एक इमेज को लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी इमेज बनाए, उससे बड़ी इमेज बनाए, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ, बताओ क्या आंसर होगा। यस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सही है गलत है, बिटवीन बिल्कुल पी एंड एफ पोल और एफ के बीच में अगर हम रखते हैं तो वो है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या ये सही है सर? बी एंड सी आर करेक्ट, बिल्कुल। ओके ओके, बी तो सी भी करेक्ट है या नहीं है बताओ, सी करेक्ट है या नहीं है बताओ मेरे बच्चों, सी करेक्ट है या नहीं है? सी भी करेक्ट है, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब रखा हुआ होता है ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बराबर बनती है, लेकिन सेंटर और फोकस के बीच में अगर हम कहीं रखते हैं तो भी बड़ी बनती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, सही है। ओके, दोनों ऑप्शन इज करेक्ट ना हो, आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा, बराबर इमेज कब बनती है बच्चों, बराबर इमेज कब बनती है ये बताओ मेरे को फटाफट, मिरर कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज कब बनेगी, अगर अगर हम कहाँ पर रखें ऑब्जेक्ट को, कहाँ पर रखें कि बराबर इमेज बने, ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज बने तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना चाहिए, जल्दी बताओ। युवराज दे, अंकित सर, केशव, अनविधि, श्याम, याची, इब्रा, शुभम, रोहित एंड संदीप वर्मन, बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी बताओ। सर एट सी, बिल्कुल एट सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, जब भी आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है मेरे बच्चों, तो बराबर बनती है, सही है ना, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होती है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, इमेज कैसी बनती है बच्चों, कैसी बनती है बताओ, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, कैसी बनती है बताओ, जल्दी बताओ, ये भी लिख दो साथ साथ, कैसी बनती है। सर सेम साइज की बनती है, चलो जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कैसी बनती है। और मुझे ये बताओ कौन क्या, आइए पढ़ते हैं, टू लेंसेस ऑफ पावर, पावर दे रखी है, ध्यान रखना पावर दे रखी है हमारे को 2.50 डी, डी का मतलब क्या होता है, तो लेंस की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट क्या होती है, जल्दी बताओ। तो 2.50 डी का मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखना चाहूँगा। एंड -3.75 डी आर कंपाइंड टू फॉर्म ए कंपाउंड लेंस, इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर विल बी, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे फोकल, तो फोकल लेंथ और पावर के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, और मुझे डी के बारे में बताओ। सर डायप्टर बोलते हैं इसको, बिल्कुल मेरे बच्चों डायप्टर बोलते हैं, और इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे ये बता दो मुझे, इट्स फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर विल बी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। सर P इज इक्वल टू 1/x, तो 1/f मतलब पावर और फोकल लेंथ दोनों के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आंसर होता है, तो -80 इज द करेक्ट आंसर। -40 करने वालों दोबारा से कैलकुलेशन चेक करो, ये -40 क्यों आ रहा है आप लोगों का आंसर, कैलकुलेशन बहुत ईजी है, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f, तो H इज इक्वल टू 1/p, ऐसे नहीं, और पावर आपस में जुड़ जाती है नहीं जुड़ जाती मेरे को तो ये बताओ, कैसे सॉल्व किया, 80 क्यों आ रहा है आप लोगों का, सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करो, देखो -80 ही आएगा आंसर। याची दोषी सबको पीछे छोड़ करके टॉप कर गई है, बहुत बढ़िया। अनविति ASAOP, अनविति अग्रवाल, और अनविति अग्रवाल, सारी अनविति ही है। प्रियंका, युवराज ने, अंकित सर, सिस्टम हैंग कर देंगे, केशव बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, मजा आ रहे हैं, लग रहा है सारे बच्चे सिस्टम हैंग करने जा रहे हैं, क्या बात है, 20 बच्चे इसको सॉल्व कर पाए। अगली मेंटी किसकी करोगे जल्दी बताओ, अगली मेंटी बताओ बताओ, ताकि तुम्हारी फेवरेट मेंटी हम करा सके। यहाँ पर देखो 25 बच्चे जुड़े थे, केवल 20 बच्चे ही बचे हैं, तो मैदान छोड़ के चले गए काफ़ी बच्चे, तो या फिर तुम बताओ जल्दी, ये लो लिंक लो, जल्दी ज्वाइन हो जाओ। रक्षित शर्मा बोल रहे हैं सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प, तो हम इसलिए तो बैठे हैं, बताओ क्या दिक्कत हो रही है, बताओ क्या दिक्कत आ रही है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी, या फिर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब कि सर मेरे को लाइट चैप्टर बिल्कुल भी नहीं आता है, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही, कैसे मुझे सॉल्व करना है, या जो भी कोई बात है आप मुझे बता सकते हो, और टेंशन मत लो, हम धीरे धीरे इसी चीज़ के लिए बने हैं, हमने शुरुआत से बच्चों को मेहनत करना सिखाया है, और अगर आप अभी से जुड़े हो तो जुड़े रहो, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट होगा, आप सेल्फ स्टडी करने को बाध्य हो जाओगे,
आप अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन बने रहो, अपने आप पे विश्वास रखो, आपके अंदर धीरे धीरे पढ़ने की कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। टेंशन मत लो इस बात की, ये मैं गारंटी आपसे दे रहा हूँ, और आपके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। लेकिन बस आपको मोटिवेटेड फील करना है अपने आप को। याची, अन्विति एंड प्रियंका, अंकित, केशव एंड श्याम, देखो अभी भी देर नहीं हुई है। अगर अभी भी आप लोग तैयार हो, वाकई में एक रियल बच्चे हो, अपने माता पिता को कुछ करके दिखाना चाहते हो, अपने दोस्तों में अपनी अपनी धाक जमाना चाहते हो, तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन पावर है मेरे बच्चों। क्योंकि सबने कहा है बच्चों, अगर दहाड़ता वही है जिसके अंदर एजुकेशन होती है। अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आप भी बहुत अच्छा महसूस करोगे, ठीक है ना। रातों को अच्छी नींद आएगी, तो पढ़ाई वढ़ाई करके सोया करो, ताकि अगले दिन तुम्हें डर नहीं रहे, यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैंने होमवर्क नहीं करा। तो पढ़ के और अच्छे से फिर खेलने का भी मजा आता है, तो अपना काम डेली करो। समर गेमर आ चुके हैं, बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। समर कहाँ थे आजकल, क्या बात है, बहुत पुराने बच्चे काफ़ी नज़र आ रहे हैं आप, रेगुलरिटी नज़र आ रही है बच्चों में, बहुत बढ़िया। सर नेक्स्ट मेंटी इलेक्ट्रिसिटी की लाओ। बच्चों अगली मेंटी किसकी लानी है जल्दी से बताओ, आप लोग जिसको वोट कर रहे हो वो ही जीतेगा। अभी क्या जीत रहा है पोल में क्या जीत रहा है, ताकि मैं बच्चों से पूछ लूँ कौन सा चैप्टर लाना है। जल्दी से बताओ पोल में क्या जीत रहा है। 15 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। इलेक्ट्रिसिटी प्लीज सर, इलेक्ट्रिसिटी। कार्तिक बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री, अन्विति बोल रही है केमिस्ट्री। कुछ बच्चे इलेक्ट्रिसिटी मांग रहे हैं। साइंस, तो आज साइंस ही करोगे क्या सारी। अन्विति, याची, केशव, तो बच्चों अभी केमिस्ट्री जीत रही है मेरे हिसाब से। अगर मान लो केमिस्ट्री आती है तो कौन सा चैप्टर लेकर के आए जल्दी बताओ फटाफट, ठीक है ना, जल्दी बोलो। सर आज मेरे इंटरनेट का सिस्टम हैंग हो गया है। मैथ सर्किल, ये अन्विति की दोस्त है। इलेक्ट्रिसिटी सेकंड, युग सेकंड चल रहे हो, अच्छा वेरी गुड। चलो शेयर करो, लाइक करो फटाफट। तो बच्चों 45 लाइक पर हम अगली मेंटी स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ जो जो बच्चे अभी जुड़े हैं तो उनको अपने अपने दोस्तों में हर जगह पर शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने हैं, ताकि 45 लाइक हम कंप्लीट कर सकें जल्द से जल्द, और हम मेंटी को कंटिन्यू रख सकें, ठीक है ना। तो लाइक की संख्या बढ़ानी है, और हमें जैसे भी तैसे करके अब हमारे को 100 लाइक का टारगेट पूरा करना ही है, ठीक है ना। बहुत कम तुम्हारे द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, जल्दी करो। अब 10 लाइक बचे हैं, केवल जल्द 10 लाइक ठोको, अपनी पढ़ाई के लिए ठोक सकते हो तुम। 16 सेंटीमीटर, क्या बात है। ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर फॉर्म एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज, ठीक है ना। फॉर्मूला आप सभी को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अच्छा, मिरर का जो मिरर फॉर्मूला होता है वो एक बार लिख के बताओ मेरे को, कि उसमें प्लस आता है या माइनस आता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मिरर फॉर्मूला बताओ और लेंस फॉर्मूला बताओ कि किसमें प्लस आता है किसमें माइनस आता है, बताओ मेरे को। कैसे याद है मैं आपको बताता हूँ कैसे याद है। देखो मेरे को ऐसे याद है, कन्फ्यूजन ऐसे नहीं होता है कि मिरर में एम दे रखा है, तो एम दे रखा है, तो जब भी मुझे मिरर फॉर्मूला करना होता है तो एम का मतलब माइनस होता है, यानी कि उसमें माइनस नहीं प्लस आएगा, उल्टा आएगा मिरर फॉर्मूले में, तो प्लस आएगा क्योंकि एम माइनस है, तो माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, मैंने तो ऐसे याद रख रखा है। और जो लेंस वाला है उसमें क्या आएगा, अगर इसमें प्लस आ गया तो उसमें माइनस आएगा, तो लेंस वाले में माइनस आएगा। तो बताओ मैं सही कह रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बताओ, बताओ क्या आएगा, ये याद रखना, बताओ मिरर में क्या आएगा प्लस, वेरी गुड। तो आप ऐसे याद रखो, और लेंस में आएगा माइनस, तो आपको फॉर्मूला तो याद है लेकिन आप प्लस की जगह माइनस लगा दे तो कन्फ्यूजन आपको हो जाता है। तो एम आई राइट और रॉन्ग, मेरे को जल्दी से बताओ बच्चों, मिरर वाले में प्लस आएगा या माइनस आएगा, बस इतना सा बता दो, और फॉर्मूला लिख सकते हो तो फॉर्मूला लिख दो। ये देखो यही होता है रिवीजन का तरीका। लास्ट टाइम में बच्चे क्या गलतियां करते हैं, बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि प्लस आना था या माइनस आना था, फिर उनको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, बताओ तुम्हारी सारी मेहनत खराब हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं रिवीजन करो, और हम यहाँ बच्चों को एक अलग तरीके से ही रिवीजन कराने वाले हैं। ना केवल मैं मेंटी कराऊंगा बल्कि मेंटी के साथ साथ मैं आपसे पूछता भी रहूंगा क्वेश्चन, तो मैं ये भी पूछता रहूंगा कि क्या 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 इसका फॉर्मूला है, ताकि आप लोगों को रिवीजन होता रहे, है ना, ताकि गलतियां होने के चांसेस कम लगे। क्या बात है सर, नेगेटिव इन लेंस में आएगा, वेरी गुड। क्या बात है, नेगेटिव लेंस में आएगा, वेरी गुड। सर मैंने पहले ज्वाइन किया है मेंटी को, अन्विति, वेरी गुड। तो प्लस इन मिरर, और मिरर में प्लस आएगा। सर ये अन्विति को ब्लॉक कर दो, ये गलत है, 5 ID से ज्वाइन होकर दूसरों को नीचे भेज रही है। अजीत वर्मा, -40 आंसर आ रहे हैं। डायप्टर, अरे अभी भी तो यूनिट बताई थी, दो बच्चों ने गलत कर दिया। अरे पावर, अरे लेंस की जो पावर होती है ना, उसकी यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है, याद कर लो। इसको डी से डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, फटाफट फटाफट। ओके
अनविति ने आंसर दिया है हमारे को, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू, लेंस फॉर्मूला। वेरी गुड, लेंस फॉर्मूले में माइनस आता है और प्लस आता है हमारे मिरर फॉर्मूले में, ये याद रखना है। अनविति टॉप कर गई है भाई साहब, और याची, युग, अंकित सर, प्रियंका, प्रियंका ने भी चैलेंज दिया है हमारे को, केशव, केशव लेट जुड़ा है क्या, केशव लेट जुड़ा है क्या, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर एट देखो कितनी जल्दी हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 10 के 10 क्वेश्चन है ना, क्या बात है, जल्दी करो, फटाफट फटाफट करो। बहुत बढ़िया, जल्दी करो, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस, हर सब्जेक्ट की मेंटी तोड़ेंगे, सारे सब्जेक्ट करेंगे, समझ में आया। यस वर्चुअल सर, वर्चुअल अनविधि, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस हैज ए पॉजिटिव वैल्यू द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ मेरे को बच्चों, जो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके की इमेज बनाता है, बताओ किस तरीके की इमेज बनाता है, कितनी टाइप की इमेजेस बनाता है, वो सारी लिख दो फटाफट। क्या बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर। और ये कॉन्वेक्स मिरर बीच में से पतला होता है या मोटा होता है, उभरा हुआ होता है, कैसा होता है, क्या किस कारण से उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर देख कर कैसे बता सकते हो कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, बताओ क्या क्या अंतर होता है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में, ये बताओ फटाफट फटाफट। लेंस में तो समझ में आता है, लेंस में तो होता है, चलो तो कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में क्या अंतर होता है बताओ। एक बच्चे ने बता दिया, शुभम वर्मा ने तो आंसर भी दे दिया, सबसे पहले आंसर दिया शुभम वर्मा ने, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड होती है सर, और कॉन्वेक्स मिरर सर डाइवर्जिंग होता है, एक अंतर बता दिया, बहुत बढ़िया। और क्या अंतर होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, कैसे पता करेंगे कि ये कॉन्वेक्स है ये कॉनकेव है ना। अगर आपको मैं कोई मिरर दे दूं, अब उस मिरर को मैं कहूं कि आपको ये कॉनकेव मिरर बनाना है और ये कॉन्वेक्स मिरर बनाना है, तो आप क्या करोगे जल्दी बताओ। सर वर्चुअल इरेक्ट एंड डाइवर्जिंग, हाँ ठीक है। अरे मेरे बच्चा एक ने लिखा है सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट, अरे वर्चुअल इरेक्ट तो बनाता है लेकिन छोटी बनाता है या बड़ी बनाता है आपने ये नहीं लिखा, और डाइवर्जिंग करता है, बिल्कुल डाइवर्जिंग करता है, ये सही है। सर कॉनकेव में केव होता है, क्या बात है, इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को अभी तक भी याद है, हमने बच्चों को बताया था कि कॉनकेव मिरर में आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर में केव होता है मतलब, और हमारा शेर कौन होता है, मैंने पढ़ाया है तो जाकर के पढ़ लो फिर, किसके लिए मैंने पढ़ाया, लाइव चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया, बस थोड़ा समय दे करके, समय निकाल करके प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा एक बार देख लो, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये लाइव चैप्टर। मैंने बताया कि कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब है हमारी जो लाइट है वो कॉनकेव में केव में घुसती है, केव में घुसती है लाइट, ठीक है ना। तो जो केव वाला पार्ट है ना वो तो नॉन मतलब वो है, वो जो है वो पॉलिश्ड नहीं है, उसके अलावा वाला जो पार्ट है ना वो पॉलिश्ड है, ठीक है ना। तो इसमें केव वाला पार्ट जो है वो पॉलिश नहीं होता है, लेकिन हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें केव वाला पार्ट जो होता है वो पॉलिश होता है और अदर पार्ट पॉलिश नहीं होता है, ठीक है ना। उभरावा, उभरी हुई जो सरफेस है वहां पर आकर के गिरती है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर में वहां पर आकर गिरी है, क्या बात है। इन कॉनकेव द रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज ओपन, वेरी गुड मेरे बच्चा। तो हम कह सकते हैं गुफा वाला पार्ट कॉनकेव, कैसे याद रहेगा, क्योंकि कॉनकेव में क्या आ रहा है केव, तो केव वाला पार्ट में हमारी रिफ्लेक्टिंग जो हमारी रेज है वो रिफ्लेक्ट होती है वहां पर, वो घुसती है केव में आकर के, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो भूलो नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भूलो नहीं, ठीक है ना, तो ये सबसे अच्छी बात है। अनविधि सर कॉनकेव द रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज ओपन, वेरी गुड। चलो सभी बच्चे पढ़ करके आए हैं, इसका मतलब तो बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है। चलो 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 चलो, क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे फटाफट फटाफट करेंगे। यस मेरे बच्चों बिल्कुल, कम ऑन। तो मेरे बच्चों अब उसकी मर्जी, वो कितने भी फोन से पढ़ाई करे, कितने भी फोन से मेंटी करे, आप भी 50 से करो 60 से करो, किसी को रोक तोड़ना सकते हैं, तो छोड़ो उस चीज़ को छोड़ो, और आप तो कमेंट बॉक्स में आंसर दो, पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने आंसर सही देते रहो। अगर तुम सही आंसर दे रहे हो तो तुम्हारी पढ़ाई सही हो रही है, कहाँ दिक्कत है। तुम अनविधि को बीट करो फिर,
है ना। तो आप इस बात को छोड़ो कि कौन ने कितने फोन से ज्वाइन कर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 फोन से आप ज्वाइन कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ये कोई वाली बात नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, है ना। चलो आ जाओ फटाफट फटाफट, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आंसर दो अगर तुम्हारे को आंसर आता है तो, मैं तुम्हारे को यहाँ कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट करूंगा। तुम कमेंट में तो आंसर दे रहे नहीं हो और मेरा मेरा मुंह दुख रहा है तुमको पूछ पूछ के। मैं फिर पूछना बंद कर रहा हूँ अभी, मैं एग्जाम टाइम में पूछूंगा, जब बच्चे बच्चे चाहेंगे तभी पूछेंगे भाई। अभी मुझे लग रहा है कि अभी पूछ के फ़ायदा नहीं है, मेरे खुद का गला दर्द हो जाता है। तुम लोग तो केवल मेंटी मेंटी करो, बाद में अपन पूछेंगे आप लोगों से, रिवाइज बाद में कराएंगे, अभी नहीं करा पाता मैं आप लोगों को रिवाइज। बहुत कम बच्चे आंसर देते हैं, 2-3 बच्चे आंसर दे रहे हैं। तुम्हें फिर बाद में तुम मेरे पास सारे बच्चे आएंगे, सर अब कैसे करूँ, मेरे सर दर्द हो रहा है, सर मुझे पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे को बहुत डर लग रहा है, आप मेरे को बताओ एक दिन में मुझे पढ़ाई करनी है कैसे करूँ। अरे एक दिन में पढ़ाई कहाँ से होती है बताओ, जब पढ़ने का मौका था तब तुम मज़े कर रहे थे, और जब मज़े करने का टाइम था तो बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, तो भैया उनके नंबर ही अच्छे आएंगे ना, वही भारत की पहली रैंक लेके आएंगे। भैया जो घिसेगा जो मेहनत करेगा उसी के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है ना। और आप भी एक बार घिस के देखो, पढ़ाई करके देखो, कुछ मेहनत करके देखो, ऐसा काम करके देखो जो आपके कंफर्ट जोन में नहीं हो, मतलब जो काम आप नहीं कर सकते हो, आपको लगता है ना कि ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझे जोर आता है, वो काम ही करके देखो एक बार, तभी तुम्हारी लाइफ में इंप्रूवमेंट होंगे, इंक्रीमेंट आएंगे, दुनिया पूछेगी तुम्हारे को और तुम बदलाव लेकर के आओगे, ठीक है ना। मन नहीं करता तो भी करो भाई, हम भी तो करते हैं ना, हमारा कौन सा मन करता है यहाँ पर आकर के जुड़ने का, है ना। 2-2, 3-3, 2.5 घंटे हम यहाँ पर बैठते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं आप लोगों के लिए, पूरी मेहनत करके करने के बाद में, चाहे हमारा मूड हो या नहीं हो, फिर भी हम आपके लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि एक हमारे अंदर भी एक जुनून हमने डाल रखा है, तो बस ऐसा ही जुनून आप भी पैदा करो। चलो बच्चों जल्दी सी, सर पिटारा खोलो, खोल दे पिटारा, आ जाओ मेरे बच्चों, चलो पिटारा खोल दिया जाए फटाफट फटाफट, बिल्कुल मेरी बच्ची पिटारा खोल दिया गया है, और पिटारे में से चारों तरफ अनविति नजर आ रही है, अनविति अनविति अनविति, और यहाँ पर अनविति नाम की बच्ची जुड़ गई है और जीत गई है, एक ग्रैंड सल्यूट मेरी बच्ची के लिए। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ती रहो, बहुत बढ़िया। तो अनविति ने लड़कियों को जिता दिया है, और आज लड़कियों के खेमे में जीत जा चुकी है, तो आज 1-0 से लड़कियां जीत गई है भाई साहब, क्या बात है। शुरुआत लड़कियों से होती है लेकिन एंड लड़कों से होता है, आज देखते हैं लड़कियां पूरी लगातार जीतेंगी या हार जाएंगी, देखना बाकी है। अब नेक्स्ट मेंटी के लिए चैलेंज देने के लिए तैयार हो जाओ बॉयज और गर्ल्स, 1-0 से लड़कियां जीत रही है मेरे बच्चों। अनविति खतरनाक योद्धा बन गई है और खतरनाक चैलेंजर भी बन गई है, 1-0 से लड़कियां जीत गई हैं। नेक्स्ट मेंटी किसकी करोगे जल्दी बताओ, कॉन्ग्रेट्स अनविति, वेल डन। चलो 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 आ जाओ मेरे बच्चों, नेक्स्ट मेंटी के लिए तैयार हो, आर यू रेडी गाइज, आर यू रेडी, पक्का तैयार हो तो जल्दी से लाइक की संख्या बढ़ाओ, 35 लाइक ही है, 45 लाइक तो अभी तक नहीं हुए हैं, जल्दी करो लेकिन लाइक की संख्या बढ़ा दो फटाफट फटाफट। यस नेक्स्ट मेंटी करेंगे, चलो नेक्स्ट मेंटी करते हैं सॉर्ट आउट, आ जाओ नेक्स्ट मेंटी किसकी करोगे बताओ। हाय जोश सर, वेरी गुड, हाँ लड़कियों को विश करो सही से, ठीक है ना, और लाइक की संख्या बढ़ाओ और पोल करो, अभी पोल चालू है मेरे बच्चों, पोल चालू है, पोल में चलते हैं और अपना अपना चैलेंज दे देना, ठीक है ना। अब अगली मेंटी किसकी आएगी बच्चों, यहाँ पर पोल मेरे सामने, पोल है 40-41 वोट पड़ चुके हैं, केमिस्ट्री को पोल पड़ रहा है ज़्यादा मुझे लग रहा है, 21-13 हो रहा है मेरे यहाँ पर, 21-13 का मतलब हो गया 9-13, तो 9-15 पर ये मैं पोल एंड कर दूंगा और 41 लाइक पर ही हम आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज 6 लाइक बचे हैं, आप लोगों को 6 लाइक ठोकने हैं फटाफट, जल्दी करो, वेरी गुड, हर एक दूसरे को सपोर्ट करो। अभिषेक निषाद आ चुके हैं, चलो लाइक द सेशन फटाफट फटाफट, ओके मेरे प्यारे 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 विद्यार्थी, चलो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, स्टार्ट करते हैं, मैं पोल को एंड करने जा रहा हूँ, आप लोगों के यहाँ पर 15 हो जाएं, ठीक है ना, 15 हो जाएं तो बता देना मेरे को, 9-15 हो जाएं तो चलो ठीक है, मैं पोल एंड करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों, ओके तो 41 लाइक पर स्टार्ट करेंगे, वोट तो तुमने 42 कर रखे हैं। नेक्स्ट मेंटी का पोल बता दो अगर करनी है तो, मेंटी वैसे मुझे नहीं लगता होगी, तो बस ये 2 मेंटी ही करा पाऊंगा मैं, क्योंकि लाइक नहीं बढ़ रहे हैं, तो बस नेक्स्ट मेंटी जल्दी बोलो, नेक्स्ट मेंटी किसकी करोगे,
आफ्टर, यही नहीं हुए तो आफ्टर क्या है, आफ्टर 51 प्लस लाइक डन। ओके चलो मैंने दे दिया है आपको, बोलो अगली मेंटी किसकी करोगे। अभी बच्चों केमिस्ट्री ला रहा हूँ, केमिस्ट्री में क्या करोगे ये बता दो मुझे जल्दी सी। एसिड बेस करोगे, केमिकल इक्वेशन करोगे, इनमें से क्या करोगे जल्दी बताओ। चैप्टर बोलो, इंग्लिश, इंग्लिश करानी है आप लोगों को, इंग्लिश, इंग्लिश करा देते हैं। एसएसटी देखते हैं किसको ज़्यादा वोट पड़े थे, एसएसटी को तो बिल्कुल वोट नहीं पड़ रहे, इंग्लिश को भी नहीं पड़े, या फिर मैथ्स को पढ़ रहे हैं। इंग्लिश, मैथ्स और एसएसटी, ठीक है ना। इंग्लिश में भी मैं डाल देता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर या फिर ग्रामर, या फिर ग्रामर जो भी बोलो बोल देना, मेरे को करा दूंगा मैं। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बायोलॉजी, ठीक है ना। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस ही लिख देता हूँ, काफ़ी बच्चे लाइफ प्रोसेस चाहते हैं, तो लाइफ प्रोसेस तो बड़ा चैप्टर, अच्छा चैप्टर है, इसको पढ़ते रहो, ठीक है ना। ये रहा, ये लो, और लाइक की संख्या बढ़ाओ फटाफट फटाफट। चलो आ जाओ, तो क्या लेकर के आना है जल्दी बताओ, एसिड बेस या फिर केमिकल इक्वेशन, बोलो क्या पढ़ोगे, केमिकल इक्वेशन या एसिड बेस। सर एसिड बेस पढ़ूंगा मैं, हाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आने वाले समय में मैं बना लूंगा, अभी बनाई नहीं है मैंने, बनाऊंगा मैं धीरे धीरे, टाइम मिलेगा जैसे जैसे, क्योंकि तुम्हारे पास तो पढ़ने का टाइम नहीं है और मैं तुम्हारे लिए बनाता रहूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले तुम अपना अपना जोश दिखाओ, पढ़ाई करो अच्छे से, फिर देखो तुम्हारे को वादा करता हूँ बहुत शानदार शानदार काम करूँगा, टेंशन मत लो। चलो अभी तो मैं तुम्हारे को क्या कराऊँ, एसिड बेस कराऊँ, आ जाओ एसिड बेस कर लो। पहले जो चैप्टर हैं उनको तो पक्का कर लो, जो चैप्टर हैं उनको पक्का कर लो, उसमें भी तुम्हारे मार्क्स कटते हैं। हाँ जो चैप्टर हैं उनको पक्का कर लो एक बार, एसिड बेस आ रहा है, एसिड बेस ही ला रहा हूँ मैं तुम लोगों के लिए, टेंशन मत लो। एसिड बेस करो, इसमें एक भी क्वेश्चन गलत मत करना, टारगेट देना कि तुम 10 में से 10 क्वेश्चन सही करो, ठीक है, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए आपका, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। चलो चलो बच्चों जल्दी सी, कम ऑन फटाफट फटाफट, क्या बात है, कम ऑन। एक बच्चा बोल रहा है सर मैं लाइक नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चा, लाइक नहीं करोगे तो हमें कौन सा कोई दिक्कत है, मत करो लाइक, नहीं करना है तो, आपको ज्वाइन होना है तो भी ज्वाइन करो, नहीं करना है, नहीं होना है तो मत हो ज्वाइन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और आप अपने लाइक को अपने पास ही रखो, ठीक है ना, बिल्कुल, वो जब बड़े हो जाएं तब उनके साथ में खूब कबड्डी खेलना मेरे बच्चा। ओके डन, अभिषेक निषाद बस पढ़ाई तो करोगे ना, ऐसे भी नहीं कि लाइक नहीं करो तो पढ़ाई भी ना करो, तो पढ़ाई तो करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दो, ठीक है ना। चलो कम ऑन सर, चैलेंज ले लो, बिल्कुल मेरे बच्चा चैलेंज ले लेते हैं। बॉयज़ में शुभम वर्मा का चैलेंज ले लिया है मैंने, शुभम वर्मा हमारे को चैलेंज दे रहे हैं इस मेंटी में, ठीक है ना, जल्दी सी। मेटल नॉन मेटल मांग रहे हैं कुछ बच्चे, बिल्कुल मेटल नॉन मेटल की जल्दी मैं बनाने वाला हूँ। एक बच्चा बोल रहा है सॉरी सर नो प्रॉब्लम मेरे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। याची, याची का चैलेंज आ चुका है, याची एक बहुत बढ़िया, याची बच्ची हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है याची। प्रियंका नाम की लड़की भी जुड़ गई है, प्रियंका का चैलेंज ले लिया है, बहुत बहुत स्वागत है। तीन तीन लड़कियों का ही, तीन तीन बच्चों का चैलेंज लूँगा, 15 बच्चे जुड़े हैं इसलिए, वैसे तो मुझे चैलेंज ही नहीं लेना था, ठीक है ना। ठीक है ना, और हमने, और अब किसका, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, श्याम नाम का बच्चा जुड़ा है हमारे साथ, श्याम का चैलेंज ले लिया है मैंने। श्याम बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल। केशव का चैलेंज मैंने ले लिया है, केशव नाम का विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा है, और मैंने रोहित का चैलेंज ले लिया है। चलो बच्चों रोहित का भी ले लिया है चैलेंज, दो लड़कियां बची हैं, जल्दी से रोहित का चैलेंज दे दिया है। लिंक दूं, लिंक देना है क्या पक्का, अनविति चैलेंज, एक लड़की और दे रही है चैलेंज, बताओ कौन दे रही है, याची प्रियंका और अनविति के अलावा कोई चैलेंज दे रहा है तो बता दो, लड़कियों में कोई है, लड़कियों में कोई भी नहीं है। चलो छोड़ो लड़कियाँ हारेंगी ये, चलो ये लो, 58 54 59 13 59 और 13, ये लो जल्दी ज्वाइन हो जाओ फटाफट। नेक्स्ट मेंटी आ रही है बच्चों उसकी, क्या बोलते हैं, एसिड बेस की, पढ़ के आए हो तो ज्वाइन करो फटाफट, लिंक दे रहा हूँ, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, और क्या है।
अभिषेक बोल रहे हैं कि सर मैं क्या लाइक कर सकता हूँ? नहीं बेटा, तुम्हारे को लाइक करना अलाउ नहीं है, प्लीज़ आप डिसलाइक करके जाएं वीडियो को, और आपको रात में अच्छी नींद आएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो, आपको लाइक करना अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट। जिस चीज़ से आपको सुकून मिले वो काम करो, ठीक है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू, आपको पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, मस्ती करनी है मस्ती करो, जीवन में बर्बाद होना है बर्बाद हो। चलो चलो चलो, जिसको पढ़ना है वो अपने आप पढ़ लेगा, आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, कम ऑन पढ़ा। सर मुझे अलाउ है क्या सर? चलो 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 चलो, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं। 18 18 19, सर स्टार्ट द सेशन प्लीज। बिल्कुल सालवा, सालवा आजकल तुम एक बार जीती थी, उसके बाद में चैलेंज देना बंद कर दिया, लड़कियों ने चैलेंज देना बंद कर दिया, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट। चलो 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 चलो, स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पर मैंने चैलेंज लिया है पांच खतरनाक बच्चों का, पांच खतरनाक बच्चे, एक शुभम वर्मा, श्याम, केशव और रोहित। तो दिल थाम के बैठिएगा, देखते हैं इनमें से कौन मेंटी को जिताएगा, या फिर ये चार के अलावा जो बच्चे ओपन चैलेंज देंगे वो जिताएंगे, कौन जिताता है देखते हैं मेंटी को। और लड़कियों की तरफ से हमारे को चैलेंज मिला है याचिका, प्रियंका का और अन्विती का, एक लड़की का चैलेंज नहीं है किसी का भी। बस मैं स्टार्ट करता हूँ, एक काम करो, सारे बच्चे जुड़ गए हो तो ए से ओपी लिख दो फटाफट, ए से ओपी लिख दो फटाफट फटाफट मेरे बच्चों, जल्दी से ए से ओपी लिख दो। मैं स्टार्ट करता हूँ, 41 लाइक पर स्टार्ट करना था, अगली मेंटी नहीं होगी इसका मतलब, और 35 लाइक से ऊपर रन नहीं हुए हैं तो अगली मेंटी नहीं होगी, ठीक है। अगर आप शेयर करते हो और लाइक करते हो तो ही आगे होगी अगली मेंटी, वरना नहीं होगी। अगर सपोर्ट मिलेगा आपका, कमेंट्स आएंगे तो ही हम कराएंगे। चलो अगली मेंटी स्टार्ट करते हैं, ये वाली तो करवा देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड टिक 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 10 मेरे बच्चों, स्टार्ट द सेशन प्लीज। बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। तो एसिड बेस चैप्टर है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वादा करो अपने आप से कि कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ताकि मुझे पता लगे कि कौन से बच्चे सही कर रहे हैं कौन गलत कर रहे हैं और कितना आपको आता है। चलो आ जाओ, पढ़ के आयो है ना, चलो कम ऑन, विश यू ऑल द बेस्ट। चलो 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 चलो, देखते हैं क्या पढ़ाई का लेवल है तुम्हारा। पलक नेयर चैलेंज, पलक नेयर अब दे रही हो चैलेंज, अब तो हो गया चैलेंज वैलेंज कंप्लीट, अब अगली मेंटी में देना, वो अगली मेंटी शायद ही होगी, लाइक नहीं बढ़ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वास्प स्टिंग कंटेंट्स, वास्प क्या कंटेंट करता है मेरे बच्चों? ए शुगर सॉल्यूशन, एन एसिडिक लिक्विड, ए सॉल्ट, ये तीन और ये चार बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार हमारी स्ट्रीम पर जुड़े हैं, तो इन्होंने ये पहली बार ये क्वेश्चन देखा है कि वास्प स्टिंग कंटेंट्स क्या कंटेंट करता है, ठीक है ना। ये अल्कलाइन लिक्विड कंटेंट करता है। अच्छा, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है बच्चों? अल्कलाइन का मतलब क्या होता है ये बता दो, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है? आपने टिक तो कर दिया, क्या पता है आपको? क्या बात है, युग ठक्कर टॉप कर रहा है, ऋषभ, केशव, याची, शुभम, चाइनीज सालवा, बॉस कार्तिक, अन्विती अग्रवाल, प्रियंका, श्याम आपका स्टूडेंट, बहुत बढ़िया मेरे बच्चा, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। सर एल्कलीज आर वाटर सोल्यूबल बेसिस, वेरी गुड। एल्कलीज का मतलब क्या होता है बच्चों? एल्कलीज मतलब बेस, और वो भी कौन से बेस मेरे बच्चों? जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, केवल वही बेस। क्या सारे बेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्या बच्चों? ऑल बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर और नॉट, जल्दी बताओ। तो एल्कलीज क्या होते हैं जल्दी से लिखो, पहले तो सबसे पहले एल्कलीज होते क्या हैं? सर वो बेस होते हैं, लेकिन सर वो सारे बेसिस एल्कलीज नहीं होते हैं, केवल सर वही बेस एल्कलीज होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो उनको वो स्पेशल होते हैं सर। स्पेशल क्यों होते हैं? क्योंकि सर वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो उनको स्पेशल नाम दिया है एल्कलीज,
हालांकि हमें एल्कलीज नाम देखते ही समझ में आ जाए कि ये वो बेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बस इतना सा अंतर है। और सारे बेसिस होते हैं कि नहीं सर नहीं होते। अभिषेक निषाद बोल रहे हैं सॉरी सर, अरे सॉरी की तो जरूरत ही नहीं है। सॉरी में क्या रखा है मेरे बच्चों, सॉरी में कुछ नहीं रखा है। सर आज के क्वेश्चन में हिटलर के माइंस थे। अच्छा बिल्कुल, तो मैंने तुम्हारे को कम्युनिटी पोस्ट पर भी पोस्ट लगाया है, वहाँ पर भी जाकर के वोट करना। कम्युनिटी पोस्ट में भी काफ़ी बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं उसमें। आज मैंने आंसर नहीं दिया तो सभी बच्चों के आंसर गलत है उसमें। NaOH आल्सो युग ठक्कर। अच्छा एल्कलीज के उदाहरण तो दे दो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में, 2-3 एल्कलीज के नाम तो पता होने चाहिए आपको कि ऐसे कौन से बेसिस हैं जो वाटर में सॉल्युबल है और उनको एल्कलीज कहते हैं। 2-4 नाम तो लिख दो, ठीक है ना। हिटलर का सिस्टम, कैसे हो मेरे बच्चा अंकित कुमार यादव, अनविधि, युग ठक्कर, अनविधि श्याम एंड ऑल, ऋषभ, शुभम, बहुत बढ़िया। दैट्स वाई दिस इज हैपनिंग। अब सही है क्या, आ आ रही आवाज प्रॉपर? अब सही है क्या, जल्दी बताओ। वीडियो इज नाउ वर्किंग। सर सिस्टम हैंग हो गया है। सर सिस्टम तो हैंग होना ही था, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा या फिर सिस्टम को अपने नीचे कर दें, बताओ क्या करना है। अब सही है, प्रॉपर चल रही है, अब चल रही है, मेंटी चल रही है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अभी 19 बच्चे जुड़े हुए हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो। यस सर अनविधि, मोनिका, क्या बात है। अब मेरे को लगता है हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो शेरनियां हैं, वो अब चैट बॉक्स में बहुत खतरनाक वाली हो चुकी हैं। तो आसाम की कड़वी चाय पिलाई जाएगी लड़कों को, तो लड़के तैयार रहो, लड़कियाँ जल्दी ही आसाम की कड़वी चाय पिलाएंगी। चैलेंज गुरु जी, बिल्कुल मेरे बच्चा चैलेंज लेंगे, आपका भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो चैलेंज देकर के जीतो मेंटी को, अलग ही मजा है अगर पढ़ाई करने वाले बच्चे हो तो। तो अगली मेंटी अगर होती है तो मुझे चैलेंज दे देना, बाकी तो लाइक वाइक की संख्या बड़ी नहीं है तो मुझे नहीं लगता अगली मेंटी होगी। दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सिस्टम को आपने नीचे कर देते हैं सर, सब मिलके बिल्कुल अपने नीचे कर लो सिस्टम को। युग ठक्कर, याची, अनविधि, बॉस, श्याम, हिटलर, अनविधि, अंकित कुमार यादव एंड अनविधि, बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 4 तोड़ेंगे फटाफट तोड़ेंगे, आ जाओ मिलके तोड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। सर मैंने तो सिर्फ अपना नाम हिटलर का सिस्टम रखा था, ये तो सच में सिस्टम हैंग हो गया। अरे वाह युग, देख लो अब तुम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, बताओ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। PbO2 इज ए बेसिक ऑक्साइड। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे और वो बच्चे गलतियां करेंगे जो रेगुलर मेरे से पढ़े नहीं है, देखना गलती होने वाली है। और एल्कलीज आर बेसिस, क्या सभी एल्कलीज बेसिस होते हैं? ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, क्या सभी बेसिस एल्कलीज नहीं होते हैं? है ना, कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड, क्या कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है? है मेटल होते हुए भी, मेटल होते हुए भी क्या वो वीक एसिड है? चलो जल्दी करो, देखो सर ये मेंटी नहीं चल रहा है बच्चों, मेंटी नहीं चल रही है क्या, एक बार लिख दो किस किस की नहीं चल रही है। मेंटी नहीं चल रही तो दोबारा स्टार्ट करें मेंटी को, बताओ किस किस की मेंटी नहीं चल रही है। दूसरी लाऊं सर, सिस्टम हैंड हो गया, किसकी और किसकी नहीं चल रही मेंटी, और कौन इसमें मेंटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है मेरे बच्चों? नहीं चल रही है सर मेरी, यानी बहुत सारे बच्चों की नहीं चल रही है। तो चलो दोबारा देता हूँ मैं कोड, देता हूँ, दोबारा स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलो तुम्हारे लिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस की करा दूँ, एसिड बेस की कराऊँ, दूसरी लाता हूँ, नहीं लाता हूँ दूसरी वाली करते हैं। फटाफट आ जाओ, जल्दी ले आ जाओ, फटाफट आ जाओ मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों, आ जाओ दूसरी मेंटी। यस सर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एंड फिर लेफ्ट हो जा रहा है, ठीक है कोई नहीं, दोबारा दे देते हैं एसिड बेस की मेंटी, दोबारा दे देते हैं आप लोगों को, एक और दे देते हैं मेंटी, ठीक है ना। चलो ये ले लो, 8/8 वाली लाऊं, 8 क्वेश्चन की लाऊं, ये वाली लेते हैं। चलो ठीक है ये वाली लेते हैं, 10 क्वेश्चन वापस से करा देता हूँ, जल्दी ज्वाइन हो जाओ, लेकिन फटाफट ज्वाइन हो जाओ, लाइक की संख्या बढ़ाओ,
और देरी मत करो, किसी प्रकार की देरी मत करो। मेंटी चल रही है, हाँ सर अब पांच वाली लाओ ना, पांच वाली, पांच क्वेश्चन की लाऊं या दस क्वेश्चन की लाऊं मेरे को बताओ। नेक्स्ट एसिड बेस की मेंटी आ गई है, नेक्स्ट मेरे बच्चों, नेक्स्ट एसिड बेस की मेंटी, आप दोबारा से ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप पीछे रह गए थे तो आपको एक और मौका मिलेगा ज्वाइन होने का, आपको एक और मौका मिलेगा बच्चों। ये कोड डालो और फटाफट ज्वाइन हो जाओ। मैं दोबारा कोड दे देता हूँ आप लोगों को, दोबारा लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। जो बच्चों को लिंक ज्वाइन होना नहीं आता है, जिन बच्चों को ज्वाइन होना नहीं आता है वो फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाना मेरे पास। प्यारे प्यारे विद्यार्थी हो, यहाँ पर 2145 और चार बार दो, एक दो तीन चार, तो चार बार दो है। और मैंने यहाँ पर मेंटी का लिंक ले आया हूँ और इस लिंक पर क्लिक करेंगे और जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे बच्चों। लो लो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बस हिटलर तो आने वाला है, टेंशन मत लो। जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी ना, जब 100 बच्चे जुड़ने लग जाएंगे रेगुलर या फिर 50 से ज़्यादा, फिर देखो हिटलर कैसे माइंस बिछाएगा और क्या क्या करेगा। अभी बच्चे जोश पैदा करेंगे, धीरे धीरे मज़ा आएगा। अभी जोश नहीं आ रहा हिटलर के अंदर, हिटलर बिना जोश के काम नहीं करता है। अगर आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, आप सिस्टम को पसंद करोगे तो इस सिस्टम को अपन हैंग कर देंगे। टेंशन ही मत लो, CBSE 10th बोर्ड हैंग हो जाएगी इस बार, क्योंकि ASAOP यानी ASA आर्मी आ रही है मेरे बच्चों। बता देना, हर किसी को बता दो जाकर के, आग लगा देगी, बोले ASA आर्मी खतरनाक आर्मी। इतनी बार रिवीजन कर देंगे हम, इतनी बार रिवीजन कर देंगे कि बोर्ड वाले भी एग्ज़ाम लेने से घबरा जाएंगे कि क्या क्वेश्चन दे और क्या क्वेश्चन ना दे, ठीक है ना। इतने हम इतनी खतरनाक वाली हम तैयारी कर लेंगे, इतना अच्छी तरीके से हम पढ़ाई कर लेंगे, इतनी बार रिवीजन कर लेंगे एक एक क्वेश्चन को, एक एक चैप्टर को, कि CBSE भी घबरा जाएगी कि भैया इन बच्चों को तो सब कुछ आता है, मैं क्या पूछूं, क्या पूछें इनसे। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, टिक टिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिक टिक 10, क्या बात है। एक बच्चा बोल रहा है सिस्टम और बोर्ड एग्जाम दोनों को फोड़ देंगे। बिल्कुल फोड़ दोगे यार, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं फोड़ोगे, जल्दी ज्वाइन हो जाओ। प्रदीप चैलेंज दे रहे हैं, क्या बात है, प्रदीप भी जुड़ चुके हैं, सारे बच्चे जुड़ गए हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बार ASAOP लिख दो अगर दोबारा जुड़ गए हो तो, सारे बच्चे जल्दी से ASAOP लिख दो बच्चों, जल्दी करो, फटाफट करो, ताकि हम सिस्टम को पाड़े। बिल्कुल, हम इस बार बोर्ड एग्जाम को हिलाने वाले हैं। इतनी बार मैक्सिमम टाइम्स बार हम क्या कर देंगे, रिवीजन, जो IIT के बच्चे करते भी नहीं करते इतनी बार रिवीजन, IAS के बच्चे भी रह जाते हैं रिवीजन करने से, वो रिवीजन तुम कर पा रहे हो, सोचो, ठीक है ना। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, चलो स्टार्ट द सेशन प्लीज, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। वन, एक बच्चा कानपुर से चैलेंज दे रहा है, वेरी गुड। तो जो जो बच्चे जहाँ जहाँ से जुड़े हो ना, एक बार लिख दो यार कहाँ कहाँ से चैलेंज दे रहे होता, कि हमें भी अच्छा लगे, कि हमें पता लगे कि हमारे बच्चे कौन कौन से स्टेट से हमारे साथ जुड़े हैं और कहाँ कहाँ के बच्चे हैं, ठीक है ना। जल्दी करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टार्ट द सेशन प्लीज। ओके, कानपुर से, क्या बात है, छत्तीसगढ़ से अनवीति, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। कानपुर से, छत्तीसगढ़ से, और कहां कहां से जुड़े हो बच्चों, जल्दी बताओ। विच ऑफ द गिवन इज यूज्ड एन एंटासिड का नाम बताओ फटाफट। सर गुजरात से, युग ठक्कर गुजरात से हैं, वेरी गुड, युग गुजरात से। सर गुज्जू से हैं, सर मुरादाबाद से, अरे रेहान मुरादाबाद से जुड़े हैं, वेल्डन मेरे बच्चा मुरादाबाद से। राजेश जांगरा, रेवाड़ी हरियाणा, क्या बात है, रेवाड़ी हरियाणा, बहुत बढ़िया। मेरा दोस्त भी है वहाँ पर रेवाड़ी में, तो रेवाड़ी गांव है उसका, खुद का ही नाम लगाता है वो अपने, संदीप रेवाड़ी नाम से। यस, रेहान सिद्दीकी मोहम्मद, कैसे हो रेहान, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिद्दीकी मोहम्मद नाम है इनका, बहुत बढ़िया, मुरादाबाद से है। सेल्फ स्टडी पंजाब से, प्रदीप, मैं भी गुजरात से हूँ सर, क्योंकि युग का दोस्त हूँ। स्पार्क गर्ल हमारे साथ जुड़ी हुई है रेवाड़ी से, हरियाणा से, क्या नाम है। राजेश जांगरा पूछ रहे हैं कि सर उसके रेवाड़ी नाम है विलेज का नाम, रेवाड़ी ही है। और बताओ, और कौन कौन बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़े हो, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ मेरे बच्चों, आग लगा दो सेशन में। जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं वो इस ब्लू लिंक पर क्लिक करो, ज्वाइन हो जाओ, ब्लू लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ फटाफट, ठीक है ना, जल्दी करो। प्रदीप, मैं सर अपने मोजिली भाबर से हूँ, मतलब मैं समझा नहीं, मैं अपनी मोजिली भाबर से हो, बिहार से हो क्या।
37 लाइक हो गए, वेल डन, क्या बात है। लाइक की संख्या बढ़ाओ अगली मेंटी करनी है तो। अब एक काम करो, मैंने अगली मेंटी के लिए 51 लाइक रखे हैं, मैं वही 45 लाइक पर ही आपको मेंटी करा दूंगा, नहीं तो मेंटी नहीं होगी। मैं पहले बता देता हूं, अगर एक और मेंटी करनी है, अगर लगातार मेंटी की प्रैक्टिस करनी है, तो बच्चों आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको शेयर पे शेयर करना होगा, अपने दोस्तों को बुलाना होगा, और यहां पर लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके गांव का नाम है भाबर। ओके, हाय सर, मैं भी राजस्थान से हूँ। मोनिका देशी कहाँ से हो, राजस्थान में कहाँ से हो? शाम आपका स्टूडेंट ऋषभ, युग, रिया, केशव, एक बच्चा रेहान, ट्यूटो, हिटलर का सिस्टम है ये, क्या बात है। अनविधि अग्रवाल कैसी हो मेरी बच्ची, ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर, कम ऑन, फटाफट फटाफट, इस बार गर्ल इन विच विलेज यू आर, अरे बांसवाड़ा बिल्कुल क्यों नहीं जानता मेरी बच्ची, बांसवाड़ा तो जानते हैं ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रताप, प्रताप क्या, प्रतापगढ़ क्या है वो, ठीक है ना, ये क्यों नहीं जानते बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वहीं से ही हो तुम, तो ये बांसवाड़ा से हो तो बहुत बहुत स्वागत है यार आपका। और आप सबको बता दूं कि मैं कहां से हूं, मैं राजस्थान से, जयपुर से जुड़ा हुआ हूं मेरे बच्चों, राजस्थान, बिल्कुल आपने, आप जानते ही होंगे राजस्थान के बारे में, बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पर घूमने की बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं, तो आओ मिलते हैं किसी दिन, आपको पूरा जयपुर का टूर कराएंगे, पूरे राजस्थान का टूर कराएंगे, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, ये सभी फेमस है, आपको यहाँ पर थार डेजर्ट देखने को मिलेगा। यस, तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी खूबी है, और भारत अपने आप में एक विशाल का है और बहुत प्यारा देश है। आई लव इंडिया, आई लव भारत देश, बहुत प्यारा देश है वाकई में, और यहाँ पर सभी देशवासी बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल, तो वो वैसे विविधता में एकता है हमारे यहाँ पर, आपको पता ही है, तो ऐसी चीज़ आपको पूरे विश्व में, इसलिए तो भारत विश्व गुरु की कैटेगरी में आ सकता है और आ रहा है और विश्व गुरु बनेगा, और आप जैसे बच्चे इसको आकर लेकर जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि भारत में ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है, बस हमने अपने आप को पीछे रख रखा है, क्योंकि हम आगे कोशिश नहीं करना चाहते, हम बढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम डेवलपिंग से डेवलप्ड होने जा रहे हैं, टेंशन मत लो, अब वक्त बदल गया है, अब भारत विश्व गुरु की कैटेगरी में ही है। ऐसे पूरी दुनिया घूम लेना, कहीं भी चले जाना, आपको ऐसा देश कहीं देखने को नहीं मिलेगा मेरे बच्चों। सर मैं गई थी फरवरी में, हर्षिता क्या सच में सर पूरा जयपुर पिंक कलर का दिखता है? नहीं मेरे बच्चों, पिंक सिटी जो ओल्ड मतलब पुराना टाइप का होता है ना, राजा महाराजा के टाइप में जो चीज़ें बनी हुई होती है, केवल वही पिंक कलर में डेवलप्ड है, इस कारण उसका नाम पिंक सिटी रखा गया था, जिसको चार दरवाजों के अंदर कैद है, पिंक सिटी यानी कि जयपुर चार दरवाजों के अंदर, जो कि मतलब पहले से डेवलप होती है, फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि फिर धीरे 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 नई नई चीज़ें बनती है, तो फिर पूरा जयपुर पिंक सिटी नहीं है, केवल ओल्ड जयपुर, जो कि जहाँ राजा महाराजाओं का राज था, जो सबसे पहले डेवलप्ड हुई थी, ओल्ड सिटी, ठीक है ना, वही केवल पिंक वहाँ पर ही हर चीज़ें पिंक में है, तो इस कारण इसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है ये, बाकी और जो नई नई चीज़ें डेवलप हुई है वो नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल, क्योंकि सरकार आपको थोड़ा ना कह सकती है कि नहीं आप पिंक कलर का एक घर कराओ, पिंक कलर का एक घर करो, वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है, लेकिन आप पर फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि आप पर्सनली ओन्ड करते हो, मतलब पर्सनली ओन्ड मतलब आपका जो मकान है वो पर्सनली ओन्ड है, उस पर सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो यही तो फ्रीडम है, यही तो फ्रीडम है मेरे बच्चों, तो दैट्स वाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पिंक कलर का कराओ या कुछ भी कराओ, लेकिन आपकी एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूं कि मेरा घर पिंक कलर का है, मैंने पिंक कलर करा रखा है। ओके चलो, एनी डाउट? हाँ हमने पिंक कलर कर रखा है, लेकिन आप आए हो क्या सर कभी बांसवाड़ा? नहीं बेटी मैं कभी बांसवाड़ा नहीं गया, या मैं कभी नहीं गया, हाँ हरियाणा खूब बार गए हैं सर। हवा महल, हाँ बच्चों हवा महल के बारे में देखा होगा आपने, काफ़ी तस्वीरें भी देखी होगी हवा महल की। सर हवा महल कैसा है? हवा महल ठीक है, घूमने के लिए बढ़िया है जगह, हवा महल हो गया, आमेर हो गया, जलमहल हो गया, ये जगह घूमने के लिए वाकई में अच्छी है, जयगढ़ हो गया, नारगढ़ हो गया, नारगढ़ का किला हो गया, ठीक है ना, और जू है हमारे यहाँ पर, फिर आज बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है घूमने के लिए, टेंशन मत लो, बिरला ऑडिटोरियम, बिरला मंदिर,
हर चीज़ घूमने के लिए बहुत बढ़िया है यहाँ पर टूरिस्ट। और तुम्हारे यहाँ पर क्या क्या अच्छा है वो तुम भी बताते चले जाओ, ताकि हम लोग जो एक पूरे देश, यही तो एक खासियत है ऑनलाइन जुड़ने की मेरे बच्चों, कि हम पूरे देश से कनेक्ट हो सकते हैं और एक यूनिटी बना सकते हैं। यस, युग ठक्कर, ऋषभ, रिया, केशव, हिटलर, सैम, ट्यूटो, अन्विति एंड याची दोषी, बहुत बहुत स्वागत है। सर पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हाँ मेरे बच्चा, ट्रैफिक तो देखो हर जगह ज़्यादा है, जहाँ पर बसावट ज़्यादा है, जनसंख्या बढ़ रही है तेज़ी से, तो ट्रैफिक तो आपको हर जगह मिलेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा ना हो। आउटर जो भी एरिया आपका है ना, वहाँ पर जो सिटी होती है ना, सिटी का मतलब समझते हो, जहाँ पर हर चीज़ मिलती है, पुराने लोग बसे हुए हैं, वहाँ पर ट्रैफिक मिलेगा मिलेगा। जो आउटर होता है ना, आउटर मतलब अब जो बस रही है जगह, वहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता है। बाकी हर सिटी में, हर जगह पर आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कहीं चले जाओ, ये ध्यान में रखना आपको। लेकिन आउटर में ट्रैफिक नहीं होते हैं। जयपुर में भी हर जगह पर ट्रैफिक नहीं है, केवल मेन सिटी में जहाँ पर पहले से लोग बसे हुए हैं वहाँ पर ही आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है सर, हमारे यहाँ दया बा का घूगरा अच्छा है। दया बा का घूगरा, घूगरा 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 क्या होता है बच्चा? ये खाने की चीज़ है, ये क्या है? दया बा का, दया बा का मैंने कभी सुना ही नहीं। दया बा क्या है ये? दया बा का चूका घाघरा, घाघरा या घूगरा। आप कौन से स्कूल में हैं सर? सब बताएंगे सर। कभी आपने सेटअप टूर करवाइए? बिल्कुल सेटअप टूर करवाएंगे, अगर सारे बच्चे लिखते हैं मैसेज ठोक देते हैं तो सेटअप टूर करवा देंगे। टेंशन क्यों लेते हो मेरे बच्चों? बिल्कुल आप लोगों से बातचीत भी करेंगे, हर चीज़ करेंगे। और अभी तो हम 10K का केक भी काटने वाले हैं। आर यू रेडी गाइज मेरे बच्चों? बिल्कुल, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे को पूरे एक साल लगे 10K होने में, क्योंकि 9K तक तो हम पिछले साल ही पहुँच गए थे। आप सबको पता होगा जो पहले वाले बच्चे जुड़े हैं। यस, अब 10K जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, उसके लिए प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट रहे। और बहुत जल्दी से हम कितनी बड़ा अच्छा लगेगा, 10,000 सब्सक्राइबर होंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर होगा। आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का प्यार और हमारा परिवार इतना बड़ा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। यस, हम जीरो से शुरू करते हैं और 10,000 के सफ़र तक पहुँच गए, तो इतना आसान नहीं होता ये सफ़र, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और तो फिर उस मेहनत का स्वाद भी अच्छा लगता है। यस, अच्छा लगता है कि हमें चाहने वाले हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी फैमिली। सर आपको पता है कि बांसवाड़ा को सिटी ऑफ 100 आइसलैंड बोलते हैं? सर आपको बोर्ड्स में कितने परसेंटेज आए थे? चलो तो परसेंटेज से क्या करना है बताओ? अगर मेरे बहुत ज़्यादा आए थे तो भी कोई मैटर नहीं करता, बहुत कम आए थे तो भी मैटर नहीं करता है मेरे बच्चों, लेकिन हमने कितनी मेहनत करी थी, हम कितने मेहनत करने वाले हैं, डिपेंड उस पर करता है मेरे बच्चों। मैं आपको पहले ये बात बता देता हूँ, दैट्स इट। यस, आप कितनी मेहनत करने वाले हो, आप कितनी मेहनत करते हो और आपके अंदर कितना जज्बा है, तो आप कहीं पर भी जाकर के टिक जाओगे, कहीं भी कुछ भी कर जाओगे लाइफ में, हर एक चीज़ आपका वेट कर रही होगी। यस, योग, ऋषभ, केशव, सैम, हिटलर और सब कुछ बताया जाएगा, टेंशन मत लो। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं जो बच्चे हमसे पूछना चाह रहे हैं। निशांत हमसे बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं। राम राम सर जी, क्रेजी बॉय, राम राम। तो अभी पूछ लो जो पूछना है। क्या बात है, एक बच्चा बोल रहा है अगर गुजरात आओ। हाँ गुजरात आऊँगा मैं, गुजरात में तुम्हारे वो शिप वाली जगह पर, कौन सी जगह है वहाँ पर आना है जल्दी ही, भावनगर जानते ही होंगे, भावनगर आ जाएंगे, तो भावनगर आऊँगा मेरे काम के सिलसिले में, तो वहाँ मिलते हैं। तो वहाँ से कितनी दूर है बता देना, जानते होंगे भावनगर को, ठीक है ना सर? दया बाका घूगरा फेमस है, हमारे यहाँ आओ तो आप आना, बिल्कुल आपसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे मेरे बच्चों। यस कम ऑन, अगली मेंटी करते हैं, जल्दी से करते हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है ना, जल्दी करते हैं अगली मेंटी, फटाफट करते हैं अगली मेंटी। करोगे 45 लाइक हो जाएंगे, तो चलो जल्दी शेयर करो, लाइक करो फटाफट मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों। युग ठक्कर बहुत दिनों के बाद टॉप कर रहा है, ठीक है। हिटलर का सिस्टम, रियम, श्याम, अनविधि, यश तिवारी, बहुत बढ़िया। चलो
सर 10K पर मीटअप हो जाए, बिल्कुल 10K पर मीटअप करते हैं। नहीं मीटअप तो कैसे कर पाएंगे, तुम लोगों के पास भी टाइम नहीं है इतना, तो 10K पर मीटअप नहीं होगा, 10K पर टूर का विजिट करा देंगे। आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आएगा, जो भी Q&A के लिए आप पूछना चाहोगे वो मैं एक सेशन रख दूंगा Q&A टाइप का, उसमें क्वेश्चन पूछ लेना, उसका आंसर आपको देंगे, लाइव में देंगे और सेटअप टूर भी कराएंगे, बहुत कुछ कराएंगे, ठीक है ना। और हो सका तो एक मिनी व्लॉग भी मैं चालू कर दूंगा। आर यू रेडी गाइज मिनी व्लॉग के लिए या कुछ समथिंग एल्स, मतलब एक नया चैनल मैं शुरू करने वाला हूँ, सोच रहा हूँ क्या करूँ। यस, तो ड्यू टू एक्सेस पासिंग ऑफ CO2 थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम इट्स मिल्कीनेस फेड्स बिकॉज। जल्दी सी सर ऑनलाइन मीटअप, हाँ ऑनलाइन मीटअप रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, एक काम करते हैं ऑनलाइन मीटअप रखते हैं, आप लोगों से गूगल पर जुड़ते हैं, गूगल मीट पर जुड़ेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जीवन में आप क्या देखते हो, एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हो, तो आप लोगों की विचारों को जानेंगे, अच्छा लगेगा, दूसरे बच्चे भी सुनेंगे, आप दूसरों की बातों को सुनेंगे, तो आपको एक बोलने का मौका मिलेगा पूरे YouTube पर लाइव पर। तो अपन कुछ क्वेश्चंस रखेंगे जो आपसे पूछेंगे और आपकी मन की बातें जानेंगे। यस, आर यू रेडी गाइज, क्या बताओ, ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन उसके लिए बच्चों को एक जुनून होना जरूरी है, जब तक ऑडियंस में जुनून नहीं होगा, मेरी फैमिली में जुनून नहीं होगा, मेरी आर्मी में जुनून नहीं होगा, तो फिर मैं कैसे अपने आप को जुनून दिखाऊं, मैं अकेला जुनून कैसे दिखाऊं बताओ। तो तुम लोग जुनून दिखाओ, तुम लोग मैसेज करो, फिर उस बारे में मैं सोचूंगा, क्योंकि मैं तो सोचता हूं बहुत कुछ, सोच सोच के बहुत कुछ सोचता हूं, लेकिन फिर तुम लोग फीके रह जाते हो, मेरी दौड़ के आगे तुम लोग फीके रह जाते हो, मैं आगे निकल जाता हूं तुम पीछे रह जाते हो, जबकि मेरी आर्मी ऐसी होनी चाहिए, मेरी आर्मी तेजी से दौड़ने वाली आर्मी चाहिए, हिटलर के पीछे जाते हो तुम लोग, हिटली इसलिए फिर हिटलर स्लो हो जाता है कि देखो, फिर मैं सोचता हूं कि वक्त आएगा जब बच्चों को बहुत कुछ करेंगे, बच्चों के साथ जुड़ेंगे अच्छे से। चलो तो बहुत कुछ करने वाले हैं, टेंशन मत लो, भारत की पहली रैंक आकर के ही रहेगी, और सारे जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे, हमने नाम रखा है वी मेक टॉपर्स, तो तुम्हें टॉपर बना करके ही रहूंगा, क्योंकि हम असली चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक दो सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, हम सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे, और तुम्हें मैं सेल्फ मोटिवेट कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी करने के लिए, कि तुम पढ़ो आगे तक का, पढ़ते चले जाओ, पीछे का मैं रिवाइज कराता रहूंगा तुम्हारे को, ताकि तुम भूले ना हो। तो इस तरीके से सही रहेगा कि तुम आगे का पढ़ते रहो, सेल्फ स्टडी करते रहो, और मैं पीछे का रिवीजन तुम्हारे को कराता रहूं, तो बताओ कैसी रही। अगर तुम बच्चे समझदार हो, सोच रहे हो, तो बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज में आती है। PYQs में आती है, सैंपल पेपर में आती है, यही आती है ना, क्वेश्चन बैंक में आती है, और या फिर तुम्हारे को चाहिए प्रैक्टिस कराने के लिए मेंटी, और ये चारों चीजें मैं तुम्हारे को यहां पर करवा रहा हूं, ठीक है ना, पक्का ओके। और जो हार्ड चैप्टर होंगे उनका मैं रिवीजन तुम्हारे को इस मेंटी में करा ही दूंगा मैं, है ना, एग्जाम टाइम में मैं तुमसे ओरल क्वेश्चन पूछता चला जाऊंगा, पूरे चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे खतरनाक तरीके से, बस तुम पढ़ने वाले होने चाहिए, तुम मुझे सजेशन दो, काम मैं करूंगा, ये 1-to-1 टॉक होगी, पूरा सेशन लाइव में चलने वाला है, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो जो मैथ सीरीज नहीं ज्वाइन किए बच्चों, वो मैथ सीरीज भी ज्वाइन करो, सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, करो अर्थमेटिक, बिल्कुल। तो अभी मैंने मैथ सीरीज वापस से एक बार रुक गई क्योंकि टाइम नहीं मिला और मेरा गला भी ठीक नहीं था। सर JEE IIT के लिए कुछ करिएगा प्लीज़। बस मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सुनो, अभी जो 11th में बच्चे हैं ना, तो हो सकता है कि अभी मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ या अभी मैं पढ़ा नहीं पाऊँ, क्योंकि अभी मैं क्लास 10th का कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये वादा करना चाह रहा हूँ, और मैंने इस बार ये सोचा है कि ये 10th क्लास वाले विद्यार्थी 11th में आएंगे, और जो अभी 11th वाले क्लास वाले विद्यार्थी वो 12th में आएंगे, तो मैं इस क्लास 10th से डायरेक्टली स्विच कर जाऊँगा 11th और 12th में, तो इनको और तुमको दोनों का मटेरियल एक जैसा हो जाएगा, तो 11th और 12th को फिर भर भर के पढ़ाएंगे IIT JEE और नीट वाले बच्चों के लिए स्टफ्स देंगे बढ़िया वाला, तो 12th में और 11th में आप लोगों को स्टफ मिलने वाला, टेंशन मत लो। लेकिन अभी 10th क्लास वाले बच्चे फोड़ो बढ़िया तरीके से, और अगर अभी आप 11th में जो भी बच्चे जुड़े हो IIT JEE ले रहे हो, तो बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करो, हम बीच बीच में कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तगड़ा करेंगे, ताकि आपका मोटिवेशन भी हाई रहे, और मैं आपको बीच बीच में चेक करता रहूंगा, चाहे वो मेंटी के थ्रू हो, चाहे कोई और चीजों के थ्रू हो, मेरे को बताते रहो, सजेशन देते रहो कि हमारे पुराने बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, कितने बच्चे 11th में हैं, वो मुझे एक बार मेजोरिटी में आओ तो सही, तभी तो हम कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सा बच्चा जीता है। सर PCB होगा या PCM? बच्चों देखो, वैसे PCM होगा, मैं दो तीन चीज़ों की लेता हूँ, कि मैं तीन चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये वाली बात करते हैं। युग मेरा बच्चा है, ग्रांड सैल्यूट आपको, तो युग जीत गया है मेरे बच्चों, सारे बच्चे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे युग को, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है, धीरे धीरे अपने कंसेप्ट और अच्छे बढ़ाओ युग और बाकी बच्चे भी। देखो युग को जल्दी सी चैलेंज, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दो, युग ने हमारे को चैलेंज दिया था क्या बच्चों? युग ने चैलेंज नहीं दिया था, तो युग तो बन गया खतरनाक योद्धा,
लेकिन देखते हैं कौन जीता है, मेंटी मेंटी कौन जीता है। ऋषभ, ऋषभ ने चैलेंज दिया है क्या? नहीं, ऋषभ ने चैलेंज नहीं दिया है। केशव का चैलेंज, बच्चों केशव का चैलेंज है, तो केशव बन गया है खतरनाक चैलेंजर। तो इसने लड़कियों को, लड़कों को मेंटी जिता दिया है, 1-1 से बराबर हो गई है मेंटी, क्योंकि केशव बच्चों खतरनाक चैलेंजर बन गया है। तो एक बार केशव को भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे। फिर उसके बाद में हिटलर सिस्टम पाड़ देंगे, वेरी गुड। सैम, अनविति, याची, श्याम आपका स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। चलो नेक्स्ट मेंटी करनी हो तो 45 लाइक करेंगे, अगर एक और मेंटी करना चाहते हो तो 45 लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तो ही मैं अगली मेंटी कराऊंगा, वरना मेंटी नहीं होगी। मेंटी करना चाहते हो तो चैप्टर का नाम लिख दो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, हर एक सब्जेक्ट मिलेगा ऑन डिमांड। केवल एकमात्र यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं ऑन डिमांड आपको पूछ पूछ के आपके अनुसार यहां पर पढ़ाई करवाता हूं। अभिषेक दास, थैंक यू मेरे बच्चा, और अभिषेक ये ड्यूटी मैं आपको देता हूं कैप्टन साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मोटिवेशन थ्रू सुपर चैट, थैंक यू मेरे बच्चा, बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए। अभिषेक कैप्टन आपको ये ड्यूटी है कि आप एक बार 11th क्लास वाले बच्चों को एक बार थोड़ा सा इकट्ठा करो, मेजोरिटी में बच्चे लाओ, ताकि हम धीरे धीरे करके एक दो मेंटी करना स्टार्ट करें। शुरुआत तो हम थोड़ा बहुत करें, वैसे तो देखो 10th क्लास को भी करा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है, फिर भी मैं समय निकाल करके मेरे बच्चों को जोड़ूंगा, 12th क्लास में तो बहुत भयंकर तरीके से साथ दूंगा, और ये चैनल 11th और 12th में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, 11th में अगर मैं तुम्हारा कम साथ दे पा रहा हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारा मोटिवेशन और तुम्हारे लिए जो खतरनाक क्वेश्चंस हैं जिसमें तुम्हारे को दिक्कत आती है, वो चीजें मुझे टॉपिक दे दो, सेलेक्टिव चीजें मैं तुम्हें करवा दूंगा, और मेंटी जिस सब्जेक्ट की बोलोगे उस सब्जेक्ट की और उस चैप्टर की करेंगे, तो बता देना मेरे को, लेकिन बता देना कमेंट के माध्यम से, बता दो कैसे बता दो, और 11th वाले बच्चों को जोड़ लो, बता देना मेरे को, ठीक है ना। चलो अभी मेंटी करते हैं, नेक्स्ट मेंटी किसकी करोगे जल्दी बोलो। सर मेंटी का लिंक दे दो, बिल्कुल नेक्स्ट मेंटी का लिंक आने वाला है सर, सैटरडे को मैथ्स का महायुद्ध प्लीज। क्यों आप तैयार हो मैथ्स के महायुद्ध के लिए या फिर इंग्लिश के महायुद्ध के लिए, बताओ सैटरडे को बताओ किसका महायुद्ध रखें। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर महायुद्ध रख दो, मैथ्स के महायुद्ध के लिए या फिर इंग्लिश के महायुद्ध के लिए तैयार हो, बताओ बताओ। यस सर तैयार है, किसका करोगे, मैथ्स का या इंग्लिश का? सर बायो का करते हैं नेक्स्ट, अभी बायो करें बच्चों, बायो करें क्या करें जल्दी बताओ। थैंक यू सो मच सर, अभी वाला मेंटी 10th का मैं भी ज्वाइन करूंगा। ओके मेरे बच्चा बिल्कुल करो करो, बताओ क्या करवाऊं, अभिषेक बोलो क्या करवाऊं मेरे बच्चा, एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर सुपर चैट। या जल्दी बोलो, पोल चालू है बच्चों, पोल एंड कर रहा हूं मैं, पोल एंड कर रहा हूं, बताओ क्या करवाऊं, इंग्लिश ग्रामर करवानी है या मैथ्स करवानी है, पोल में जिताओ, पोल में। यस बायो बच्चे, बायो बोल रहे हैं, ठीक है ये पोल रहने देता हूं, क्योंकि अभी पोल क्या है बच्चों, ड्रॉ हो रखा है, ड्रॉ हो रखा है तो दिक्कत आएगी, अभी ये पोल रहने देता हूं मैं। तो 51 लाइक का पोल लगा हुआ है, 51 लाइक पर ये पोल मैं एंड कर दूंगा, जैसा कि मैंने तुम्हें टारगेट दिया है। अभी 45 लाइक वाला मैं सेशन करा रहा हूं, वो है लाइव प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बायो वाले भी जुड़े हैं, तो एक बार बच्चों को लाइव प्रोसेस भी करा देता हूं, थोड़ी सी खतरनाक मेंटी लाता हूं, और अपना अपना चैलेंज दे देना। चलो बायो की मेंटी देखते हैं ये बच्चे, क्योंकि 11th वाले बच्चे बायोलॉजी में भी हैं, तो उनका भी बायोलॉजी का कुछ हो जाएगा भला, ठीक है ना। चलो ये बताओ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करा दूं क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करा दूं क्या, बोलो इजी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करा दूं क्या, एक मिनटी लाइव प्रोसेस बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है लाइव प्रोसेस ला रहा हूँ, लाइव प्रोसेस ला रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर लाइव प्रोसेस फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, हाँ फिजिक्स भी आएगी बच्चों, फिजिक्स भी आएगी, आप उसमें क्लिक करके फिजिक्स जिता सकते हो, आप वोट कर सकते हो, सारे बच्चे वोट कर सकते हो, 51 लाइक पर मेंटी चालू करेंगे तो मैंने, आप वोट कर सकते हो, ठीक है ना, अगली बार बता सकते हो मेरे को, टेंशन मत लो। अभी लाइव प्रोसेस कर रहे हो तो यस यस बोलो जल्दी से, जो भी पढ़ना चाहते हो लाइव प्रोसेस बोल रहे हैं, जल्दी बोलो फटाफट फटाफट बोलो मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों, लाइव प्रोसेस आ रही है। लो चलो कोई नहीं, लाइव प्रोसेस ले लो, लेकिन जल्दी ज्वाइन हो जाओ, बस इतनी सी मेरे को गुजारिश है आप लोगों से। इजी वाली ला रहा हूं, ये बहुत बार बच्चे कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलतियां भी करी है, तो इजी वाली है लाइव प्रोसेस, फटाफट फटाफट, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आंसर देना, क्योंकि आपके सीनियर्स भी इस बार जुड़ रहे हैं, इस कारण मैं लाइव प्रोसेस लेकर के आया हूं, और 51 लाइक का टारगेट था, इस कारण से मैंने पोल एंड नहीं किया है, और 45 लाइक पर लाइव प्रोसेस करा रहा हूं, जल्दी करो लेकिन फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाओ। यस मेरे बच्चों फटाफट लाइव प्रोसेस हम करने वाले हैं, सर चैलेंज ले लो मेरा, बिल्कुल लेंगे, अभी 5-5 बच्चों का चैलेंज ले रहा हूं, लड़कियों लड़कियों में, तो बताओ कौन कौन चैलेंज ले रहा, फटाफट आ जाओ।
क्रेजी बॉय अपना नाम लिखो। देखो जो भी बच्चे किसी भी आईडी से आओ, आप अपना नाम लिखो, चैलेंज लिखो और बॉयज हो तो बॉयज लिखो। ये तीनों चीजें जो लिखेगा उसका चैलेंज ले लूंगा मैं। अभी एक एक से बराबर है लड़के और लड़कियों का स्कोर, बॉयज और गर्ल्स का स्कोर। तो लड़के और लड़कियों का चैलेंज दे दो फटाफट मेरे को, ठीक है ना। कौन दे रहा है मेरे को चैलेंज, जल्दी से आ जाओ। सर बहुत दिनों बाद चैलेंज ले लो, निशांत का चैलेंज। निशांत कहाँ गायब हो गए थे, इतने दिनों बाद आए हो। निशांत का चैलेंज आ गया है। प्रियंका, लड़कियों में प्रियंका जुड़ चुकी है, प्रियंका का चैलेंज आ गया है, बहुत बहुत स्वागत है। और बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। आराध्या का चैलेंज आ गया, आराध्या, आराध्या ने चैलेंज दे दिया है, बहुत प्यारी सी बच्ची जुड़ गई है। आराध्या का चैलेंज आ गया है। नीलम कियारा, अभिषेक का चैलेंज, अभिषेक का चैलेंज आ गया है, अभिषेक का चैलेंज आ गया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और सैम, प्रदीप का चैलेंज आ गया है, प्रदीप, PRADIP, प्रदीप ने हमारे को चैलेंज दिया है। और कौन से बच्चे चैलेंज, लिंक देना है क्या? हाँ लिंक दे रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ बच्चों, रुको। मानव आपका पूरा नाम लिखो, पूरा नाम लिखो। माना वो आप अपना पूरा नाम लिखो। लड़के और लड़कियां चैलेंज दो। याची ने चैलेंज दे दिया, याची का चैलेंज आ गया है, बहुत बढ़िया याची। मानव शर्मा, मानव शर्मा का चैलेंज मैंने ले लिया है, मानव शर्मा बहुत बढ़िया। और सैम का चैलेंज मैंने ले लिया है, सैम का भी चैलेंज आ गया है। तो पांच लड़के हो गए हैं, तीन लड़कियां हुई हैं, दो लड़कियां और चैलेंज, दो लड़कियां और बची हैं, जल्दी करो। दो लड़कियां और चैलेंज दे सकती है, ठीक है। रेहान का चैलेंज ले लिया मैंने, रेहान, रेहान का चैलेंज ले लिया है। लिंक ला रहा हूँ, लिंक ला रहा हूँ फटाफट फटाफट। तो लड़कियों में कोई और है तो बता देना मेरे को, लड़कियां कम है हमारी, संख्या बहुत कम है लड़कियों की। मेंटी, मेंटी ला रहा हूँ मेरे बच्चों, मेंटी जल्दी से करें, फटाफट फटाफट करें, जल्दी ज्वाइन हो जाओ मेंटी में। 2896 2896 1026 1026। पहले पानी वानी पी लें दो, मेरे को भी थोड़ा सा, मेरे को भी रेस्ट दो, दो मिनट का, जब तक लाइक की संख्या बढ़ा लो अगली मेंटी के लिए ही, अगर अगली मेंटी करना चाहते हो तो। और जो सब्जेक्ट और जो चैप्टर करना चाहते हो पहले से बोल दो, हो सका तो हम प्ले भी सेट करा लेंगे, टेंशन मत लो। चलो जल्दी ज्वाइन हो जाओ फटाफट, लेकिन ये लो लिंक लो और ज्वाइन हो जाओ। कम से कम 30 बच्चे जुड़ जाना यार लाइव प्रोसेस में, तो 30 बच्चे करो। जैसे चलो लाइव प्रोसेस की मेंटी है, ज्वाइन, वेरी गुड, सारे बच्चे ज्वाइन हो गए, सारे बच्चे ज्वाइन हो गए। तो जल्दी से मेरे बच्चों, अगर सारे बच्चे ज्वाइन हो गए हो, बिल्कुल, तो जल्दी से ASAOP लिख दो, ASAOP लिख दो, हैशटैग ASAOP, फटाफट फटाफट लिख देंगे सारे बच्चे हैशटैग ASAOP, ठीक है ना। प्रेम, प्रतिष्ठा, अनुशासन और ये चीजें भी लिखना चाहो तो लिख दो फटाफट फटाफट, जल्दी करो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेंटी को, एक बार पानी पी लूँ बस फिर स्टार्ट करते हैं। लो लिंक ले लो, इस लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। आप लोगों का चैलेंज मैंने ले लिया है, और कोई ओपन चैलेंज देना चाहता है तो वो भी दे सकता है कि सर मेरा ओपन चैलेंज है सभी को, क्योंकि मैं जीत करके दिखाऊंगा, आपने मेरा चैलेंज नहीं लिया है तो आप ओपन चैलेंज दे सकते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सारे बच्चे मैथ्स बोल रहे हैं, ठीक है, आखिरी मेंटी मैथ्स की कर लेंगे। एक बार लिख दो, अगर आखिरी मेंटी मैथ्स करना चाहते हो तो एक बार मैथ्स 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 स्पैम कर दो, मैं आखिरी मेंटी मैथ्स की करा दूंगा। बोलो मैथ्स स्पैम कर दो सारे बच्चे, एक बार लिख दो मैथ्स मैथ्स मैथ्स, अगली मेंटी करना चाहते हो मैथ्स की तो अगली मेंटी मैथ्स की हो जाएगी। बोलो प्रैक्टिस करोगे मैथ्स को, तैयार हो सारे बच्चे मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, तो एक बार मैथ्स मैथ्स लिख दो। ऑन डिमांड चैप्टर करेंगे, सब कुछ करेंगे, सबकी बात रखेंगे। और बोलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन स्टार्ट द सेशन प्लीज। ओके बेस्ट ऑफ लक, कम ऑन। लड़कों में हमारे को चैलेंज दिया था निशांत ने, अभिषेक ने, प्रदीप ने, मानव ने, सैम ने, रेहान ने। लड़कियों में चैलेंज है प्रियंका का, आराध्या का और याची का। लड़कों में निशांत, अभिषेक, प्रदीप, मानव, सैम और रेहान, स्वागत है आपका। सर इंग्लिश ग्रामर रखो, देखते हैं क्या करोगे। मैथ्स, ज्यादातर बच्चे मैथ्स बोल रहे हैं, एजुकेशन वाला मैथ्स, एजुकेशन वाला मैथ्स, ड्रामा मैथ्स, ड्रामा क्वीन मैथ्स, मैथ्स मोनिका मैथ्स, प्रदीप इंग्लिश,
एनीथिंग मैथ्स, ज्यादातर बच्चे मैथ्स बोल रहे हैं। अभिषेक दास जी कैसे हो मेरे बच्चा, और जय श्री राम, इलेवंथ में है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये बच्चा टॉप कर गया। निशांत याची, रोहित, रिया, हिटलर, आराध्या, गणानंद प्रधान, द अननोन गाय एंड युग ठक्कर, बहुत बहुत स्वागत है, कमॉन, क्या बात है मेरे बच्चा, बोलते टॉप कर गए हैं। आ जाओ जल्दी सी, कमॉन, ये लो लिंक ले लो फटाफट, जो बच्चे नहीं ज्वाइन हुए हैं वो लिंक ले लो फटाफट, ठीक है, इस लिंक पर क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। मैं एक बार मोबाइल चार्जिंग पे लगा देता हूँ, मोबाइल चार्जिंग पे लगा देते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करो, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेसेस इन, अच्छा, ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेसेस इन माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म, बहुत बढ़िया, बताओ माइटोकॉन्ड्रिया ये एनारोबिक रिएक्शन है या एरोबिक रेस्पिरेशन है, बताओ ये कौन सा रेस्पिरेशन है, एनारोबिक या एरोबिक, बताओ एनारोबिक है या एरोबिक है, जल्दी लिखो मेरे को फटाफट फटाफट, बताओ जल्दी से बताओ कौन सा है। सारे बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, मैं एक बार मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, ठीक है। सभी बच्चे बोल रहे हैं सर एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्या बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन, वेल डन मेरे बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फटाफट करेंगे, स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जल्दी सी, बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन है, कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को। अभिषेक दास टॉप कर गया, याची, निशांत, आराध्या, घनानंद, हिटलर, रिया, दानोन, प्रियंका, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे जल्दी सी, क्या बात है। विच इज द की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलिसिस टू क्रैब्स साइकिल, क्रैब्स साइकिल, किसी बच्चे को पता है क्रैब्स साइकिल क्या होती है, जल्दी से बताओ। ये बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे क्योंकि दिस इज द न्यू क्वेश्चन एंड दिस इज द न्यू कंसेप्ट फॉर यू। यस मेरे बच्चों, एसिटाइल COA, ठीक है ना, क्रैब्स साइकिल क्या होती है मेरे को बताओ, क्रैब्स साइकिल क्या होती है और ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ठीक है ना, जल्दी सी, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया है, क्या बात है। केशव कुमार ने सही आंसर दे दिया कमेंट बॉक्स में, बहुत बढ़िया। अभिषेक दास सही कर रहे हैं, याची सही कर रही है, युग, घनानंद, रिया एंड ऑल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 तोड़ेंगे फटाफट तोड़ेंगे, आ जाओ मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, मुझे बताओ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है और ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है, ग्लाइकोलिसिस से क्या बनता है मेरे बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, बनता क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले जाओ जल्दी सी। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेसेस ओनली इन, बताओ ओनली इन, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है जल्दी से लिखो एक बार फटाफट, एनारोबिक रेस्पिरेशन तो हमेशा और हमेशा कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, और मेरे बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा कहां पर होता है, ध्यान रखो हमेशा कहां पर होता है बताओ, एक ऐसी गुफा है जहां पर पहुंचने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो क्या है सर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड, मैट्रिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, केशव कुमार लिख रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लाइको, विच मीन्स ग्लाइको का लिसिस, वेरी गुड, इट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट, वेरी गुड, अच्छा पाइरूवेट में कितने कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं जल्दी बताओ, कार्बन के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, पाइरूवेट में कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जल्दी करेंगे फटाफट करेंगे, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेरी गुड, यश तिवारी, अभिषेक, घनानंद, प्रियंका, बहुत बढ़िया सर, 3 अणु होते हैं कार्बन के, वेरी गुड, 3 होते हैं, ठीक है। तो और मेरे बच्चों ये बताओ कि ये तुम्हारा जो लैक्टिक एसिड होता है ना, लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बता दो, चलो 3 तो तुम्हारे किस में हो गए, पाइरूवेट में 3 हो गए, अच्छा लैक्टिक एसिड में कितने होते हैं, बहुत बढ़िया सर, 3 ही होते हैं, तो लैक्टिक एसिड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है नहीं बनती है बताओ, जब भी मनुष्यों में मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड के साथ में बच्चों कुछ और भी बनता है क्या, ये कैसे पता चलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है नहीं होती, लैक्टिक एसिड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है नहीं बनती है बताओ सर, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बता रहे हैं केशव, सारे बच्चे बता रहे हैं, हर्षित भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो यार, कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आ रहा है उसको दिल से धन्यवाद,
पढ़ाई हो तो ऐसी, वरना ना हो कैसी, क्या बात है मेरे बच्चों। ये 25 बच्चे जुड़ गए हैं, अब 25 के 25 बच्चे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। नो सर, हीट रिलीज होती है केवल और केवल लैक्टिक एसिड फॉर्मूला। नो, अरे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है कि लैक्टिक एसिड के साथ में, नहीं बताओ कैसे, क्योंकि पाइरूवेट से मेरे बच्चों, पाइरूवेट में कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं तीन, और लैक्टिक एसिड में भी तीन कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती तो वो कार्बन का मॉलिक्यूल्स कहाँ से आता, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। कभी फंस जाओ तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो हमारा वो होता है ना खमीर, खमीर को क्या बोलते हैं अपन, अरे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं खमीर को भाई साहब, अरे अरे क्या नाम है वो खमीर, उसके अंदर क्या बनता है बताओ, उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या बनता है बताओ, हाँ ईस्ट, ईस्ट होता है ना ईस्ट, तो ईस्ट के अंदर अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो पाइरूवेट से क्या बनता है, क्या क्या बनता है ये बता दो जल्दी सी, क्या क्या बनता है ये बता दो, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है या एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जल्दी बताओ, चलो जल्दी बताओ क्या बनता है। बिल्कुल, लाइफ प्रोसेस तो आपकी ऐसी होनी चाहिए, चैप्टर ऐसा होना चाहिए कि मम्मी रात को थप्पड़ मारे तो मजा आ जाए, मेरे बच्चों की लाइफ प्रोसेस तो खतरनाक होनी चाहिए, क्योंकि एक ये एक ऐसा बड़ा चैप्टर है जिसमें अपन अच्छा स्कोर कर सकते हैं, साइंस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं लाइफ प्रोसेस में, ये ध्यान में रखना। सर एथेनॉल बनता है, एक बच्चा एथेनॉल बोल रहा है, वेरी गुड, और एथेनॉल के अलावा नहीं बताओगे, यही तो गड़बड़ करते हो। केशव कुमार के अलावा कोई नहीं बता पा रहा है, केशव ने परफेक्ट आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, एक मुझे ऐसा बच्चा मिल गया जो कमेंट बॉक्स में खतरनाक आंसर देता है और देना स्टार्ट कर दिया है, मैं उसको सल्यूट करूंगा, ये आदत उसको आगे तक लेकर के जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करता है वो कितने दिन तक उसके अंदर ये आदत रहती है। और प्लीज़ दूसरे बच्चे भी उस बच्चे को देख करके करो, मैं बता रहा हूँ आपको, आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज़ का। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोज इंटू पाइरूविक एसिड अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ओके मेरे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी सी मोनिका दोषी एंड ऑल, सभी ने सही आंसर दे दिया। युग ठक्कर सर, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है, क्या बात है। केशव कुमार सल्यूट आपको। सुनो मेरे बच्चों, ये बताओ मेरे को, जो अल्कोहल बनता है उसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, अल्कोहल में कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इथेनॉल बनता है या फिर कुछ और बनता है, मिथेनॉल बनता है, एथेनॉल बनता है, क्या बनता है, जल्दी बताओ कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। सर दो, सभी बच्चों ने लिख दिया दो। बच्चों ये किससे बना था, ये किससे बना था, ये एथेनॉल जो बना है, एथेनॉल यानी अल्कोहल बना है, ये किससे बना था, ये बच्चों पाइरूविक से बना था। तो पाइरूविक में कितने हैं मॉलिक्यूल कार्बन के, सर पाइरूविक में तीन है और अल्कोहल में कितने हैं, दो, तो एक कहां गया, एक कार्बन का मॉलिक्यूल कहां गया मेरे बच्चों, बताओ बताओ। देखो ऐसे याद होगी आपको, आप कभी ना कभी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये चीजें याद रखो, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है पाइरूवेट में, तो आपको पता होना चाहिए, अल्कोहल में कितने हैं, दो, तो उसमें तीन थे, तो अल्कोहल के साथ में क्या बनता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो एक कार्बन बचा ना, पाइरूवेट के तीन मॉलिक्यूल थे तो दो तो चले गए एथेनॉल बनाने में, यानी कि अल्कोहल बनाने में, एक कार्बन का मॉलिक्यूल बचा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो आपको पता होना चाहिए वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अच्छा बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके तीन चार मेरे को फंक्शंस बता दो, कार्बन डाइऑक्साइड की तीन चार प्रॉपर्टीज बता दो। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने बच्चों को करवाया भी है, एक ऑप्शन था उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी बता दो, इसका टेस्ट बता दो, कैसे टेस्ट करते हैं, ये किस काम आती है ना, और ये कैसी होती है, नेचर में कैसी होती है, ये तीन चार चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बता दो। सर यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, ये तो इसका यूज़ हो गया, बिल्कुल आग बुझाने के काम आती है। अब ये आग कैसे बुझाती है मेरे बच्चों, ये क्या होती है बच्चों, ये क्या होती है कि CO2 से ये जो हमारी ऑक्सीजन होती है ना, ये उससे हल्की होती है, उसके कारण ये O2 के ऊपर लेयर बना लेती है, जिसके कारण O2 और आग का संपर्क नहीं हो पाता है, ठीक है ना। चलो सर, टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये सर लाइम वाटर को मिल्की भी बना देती है, बहुत सही बात है। अच्छा, लाइम वाटर को मिल्की बनाती है, तो बच्चों ये मिल्कीनेस क्या बनने के कारण आती है, ये मिल्कीनेस क्या बनने के कारण आती है, ऐसी कौन सी चीज़ बन गई होती है जिसके कारण मिल्कीनेस आती है, और कौन सी चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जिसके कारण मिल्कीनेस आती है, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों। यस, बताओ 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 मेरे बच्चों, किसके कारण मिल्कीनेस आती है, क्या प्रोडक्ट बन जाता है जो मिल्कीनेस उसके कारण आती है, उस प्रोडक्ट का नाम लिखो, और क्या चीज कन्वर्ट होती है मिल्कीनेस में, बताओ। एक बच्चा बोल रहा है कि सर एसिडिक इन नेचर होती है, बिल्कुल सही बात है, ये लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देती है मिल्कीनेस, ना ना ना। युग ठक्कर बोल रहा है सर COH2, ये COH2 है क्या, मिल्कीनेस किसके कारण आती है, क्या चीज बनती है जिसके कारण मिल्कीनेस आती है, अभी भी बहुत गलत आंसर आ रहे हैं, मिल्कीनेस क्या बनने के कारण आती है बताओ। लाइम वाटर किसको बोलते हैं, व्हाट इज द लाइम वाटर,
CaCO3 मेरे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ही मिल्कीनेस आती है और ये मिल्कीनेस वापस चली जाती है, वापस चली जाती है अगर हम एक्सेसिव CO2 को प्रवाहित कर दें, मतलब हम दोबारा से उसी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अगर हम CO2 को प्रवाहित करते जाएं तो ये मिल्कीनेस वापस गायब हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनता है बताओ, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट किस में चेंज हो जाता है बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट किस में चेंज हो जाता है, बिल्कुल 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 स्लैक लाइम से मार्बल बनता है, बिल्कुल मेरे बच्चों स्लैक लाइम से मार्बल बनता है, स्लैक लाइम से तो मार्बल बनता है, CaHCO3 कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हो आप, देखो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है या फिर उसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, जिसके कारण क्या होता है वो मिल्कीनेस चली जाती है यदि हम एक्सेसिव CO2 फ्लो कराते हैं तो, ठीक है ना। तो सारे बच्चों ने बहुत सही से आंसर दिए हैं। सर मैथ्स मत रखिए क्योंकि रात हो गई है, तो रात हो गई तो मैथ्स नहीं पढ़ोगे, रात हो गई तो मैथ्स नहीं पढ़ोगे बच्चों, रात में तो मैथ्स पढ़ने का फायदा है, रात में तो बच्चों का दिमाग ज़्यादा चलता है, ये सारे के सारे बच्चे नाइट वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, अभी तो हम इनको नाइट आउट करवाएंगे, दो दो तीन तीन बजे तक मेंटियाँ करवाएंगे इनके लिए, लेकिन अभी तो इनकी स्कूल है इस कारण से अभी मैथ्स लिखो जल्दी से मैथ्स करो। अच्छा रात को क्या मैथ्स मना कर देती है, मैथ्स सॉल्व नहीं होंगी है मेरे बच्चा, कौन सा बच्चा बोल रहा था, अभिजीत बोल रहे हैं सर रात तो हो गई, सर रात को मैथ्स मत कराओ, तो रात को मैथ्स मना कर देती है कि मैं सॉल्व नहीं होंगी, मैं आंसर आएगा ही नहीं, मेरा आंसर आएगा ही नहीं, क्या कहती है तुम्हारे को कान में आके, क्या कहती है, मैं रात में सॉल्व नहीं होती हूँ, मेरे को दिन में पढ़ना चाहिए, क्या कह रहे हो, चलो जल्दी सी मैथ्स लिखो और मैथ्स में क्या पढ़ोगे जल्दी बता देना मेरे को, मैथ्स में मिक्स में लेकर के आऊँगा, मैथ्स मिक्स में लेकर के आ जाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री लानी है क्या लानी है बता देना मेरे को, नए नए चैप्टर आएंगे, बढ़िया बढ़िया चैप्टर आएंगे, टेंशन मत लो, मैथ्स में AP लाइए सर, क्वेश्चन पूछिए सर, क्या बात है, एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन पूछते रहिए, मजा रहा है ना, ऐसी की ऐसी तैयारी आपके SST में भी करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। आज देखो बच्चों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, आज 21 बच्चे लगातार जुड़े, तो मेरा मन किया वापस से तुम्हारे साथ बातें करने का और ये करने का, इसलिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए, बिल्कुल पढ़ाई उम्दा करवा दूंगा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस, ये तो बच्चों को पता ही चल चुका है, ऑल ऑफ द अबव आंसर है इसमें, तो ऐसे कह रहे हो ना, यस। एक बच्चा बोल रहा है सर मत क्या होता है, सर एमेटिक क्या होता है, मत तोनो सर, सर सीधा मत टोनो सर, क्या बोल रहा है ये, सर मत क्या होता है, मत करो सर, मैथ्स ही कराना, मिक्स करा दो सर, सर रात में ब्रेन स्लो हो फ्लो चलता है, अच्छा तो रात में ब्रेन स्लो चलता है, कहाँ जाना है तुम्हारे को रात में, हैं अपने दिमाग को लेकर के कहाँ जाना है, कहाँ स्लो चलता है मेरे बेटा, तो दिमाग को कहाँ पहुँचाना है तुम्हारे को जो स्लो चलता है वो, और तुम दिन में कितना फास्ट भाग गए होते हो, कहाँ लेके जाओगे दिमाग को, कहाँ पर पहुँचाओगे, रात में स्लो चलता है। याची रिया युग घनानंद हिटलर केशव प्रियंका आराध्य अभिषेक अभिषेक दास बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे बच्चों दिमाग विमाग कहीं रात में कुछ भी स्लो विलो नहीं चलता है, जब एग्जाम का टाइम आता है तब कितना तेज चलता है तुम्हारा दिमाग, खुद बताना ईमानदारी से, 9th क्लास तो पढ़ के आए हो और एग्जाम भी दिए होंगे तुमने, खुद बताओ जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन रात में हो चाहे कुछ भी हो उस दिन तुम्हारा दिमाग कितनी तेज चलता है, क्यों चलता है, क्योंकि तुम्हें डर लगता है हम फेल ना हो जाए, जितना मौका मिल रहा है उतना पढ़ लो, तो तुम हमेशा तुम ऐसी पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा सिर्फ ये तुम्हारी सोच है, ये परसेप्शंस बना रखा है आप लोगों ने कि मेरा तो रात में दिमाग तेज चलता है, मेरा रात में कम चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप पहले से सोच के बैठे हो, ठीक है ना, और किसी को नींद आ रही हो और किसी को थकावट हो रही हो तो पानी पियो मैक्सिमम, है ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इंटरेस्ट जगाओगे ना तो कोई रात को नींद नहीं आती। एक बात बताओ, तुम रातों रात रात भर गेम खेल लेते हो इंस्टाग्राम पर अपना टाइम वेस्ट करके, वीडियोस देखते हो फालतू के, तब तुम्हारे को नींद नहीं आती है, हाँ काम की चीजों में नींद आती है, ऑब्वियसली आएगी काम की चीजों में नींद,
ठीक है ना, जिस दिन गेम खेलते खेलते तुम्हारे को नींद आ जाए ना, उस दिन मेरे को बताना, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, तुमने अभी इंटरेस्ट नहीं जगा रखा है पढ़ाई में, तुम्हें अभी डर नहीं लग रहा है पढ़ाई के अंदर, तो डर पैदा करो, है ना, पॉजिटिव वाला डर पैदा करो। देखो अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सर एपी करवा दो, मोनिका दोषी बोल रही है, सर गंगा मत कड़ो सर, खाडो काडो सर। चलो जल्दी जी, कम ऑन, गंगा तो हिमाचल में बह रही है, गंगा तो हिमाचल में बह रही है ना, हरिद्वार से शिफ्ट हो गई गंगा हिमाचल में, हरिद्वार से शिफ्ट हो गई गंगा हिमाचल में। सर एपी करवा दो, सर दिस इज वेरी इजी वेंटी। सर क्या बात है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलो याची दोषी द चैलेंजर, रिया, घनानंद, केशव, हिटलर, प्रियंका, आराध्या, अभिषेक, गुग, युग एंड अभिषेक दास। आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट, क्वेश्चन नंबर 14, और अब देखते हैं मेरे बच्चों 14 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, जल्दी बताओ। अगर 14 के 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो मेरे को जल्दी बताओ कि 14 में से कितने क्वेश्चन अभी तक सही कर सके हो, 13 में से, सॉरी 13 में से, 13 में से बताओ कितने क्वेश्चन सही कर सके हो, लास्ट क्वेश्चन तैयारी करेंगे, 13 में से बताओ कितने क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन पूछो केशव, बिल्कुल पूछूंगा, मेरे अंदर एनर्जी तुम लोगों की कमेंट से आती है, बिल्कुल सर, सच में सर, यस मेरे बच्चा। सर 12 क्वेश्चन सही किए हैं, 13 के 13 कर दिए, सारे सही कर दिए हैं, तो लो हमारे बच्चे पढ़ाई लेवल तगड़ा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ जल्दी सी, क्वेश्चन नंबर 14 तोड़ेंगे। एक बच्चा बोल रहा है सर 10th का सब कुछ भूल गया, इसलिए कहते हैं रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, तो रिवीजन ही है जो कुछ है, ठीक है ना अभिषेक, तो रिवीजन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा तुम चैलेंजिंग फेस महसूस करोगे, तुम्हें चैलेंज मिलेगा, उतना ज़्यादा तुम पढ़ाई करोगे, ठीक है। चलो तो अभिषेक तुमने मैथ्स तोड़ना ली है, बायोलॉजी ले रखी है ना, तो बायोलॉजी में तो फिर तुम्हें ये भी आना चाहिए। सर आज थोड़ा हार्ड लग रहा है, प्रदीप बोल रहे हैं हार्ड लग रहा है, कोई बात नहीं, पायरुवेट इज ए कार्बन मॉलिक्यूल, बताओ अभी अभी मैंने तुमसे कितनी बार पूछ लिया है पायरुवेट कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स है, अब तो कोई गलती मत करना, पायरुवेट कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स है पायरुवेट में। अच्छा पायरुवेट बनता किससे है बच्चों, पायरुवेट बनता किससे है, मतलब पायरुवेट का जन्म किससे हुआ है ये बता दो मेरे को, और उसमें कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, इतने कार्बन के मॉलिक्यूल्स बने हैं पायरुवेट में, सर 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया, ठीक है, अब ये बना किससे है ये बताओ मेरे को। सर ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं नीचे, सर ये ग्लूकोज से बना है, और ग्लूकोज में कितने होते हैं बच्चों, ग्लूकोज में कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं बताओ, बताओ जल्दी बताओ मेरे को। सर 10th का सब भूल गया, कोई बात नहीं मेरे बच्चा, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। कार्बन कितने होते हैं, सर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बच्चों बताओ मेरे को कि एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनते हैं, फटाफट बताओ कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, बताओ बताओ, कैलकुलेशन करो, मैथ्स है, दिस इज ए सिंपल, दिस इज द सिंपल, यस सर 2, सर एक एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट बनेंगे, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगर पढ़ाई और आपने समझ रखा है तो आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सही आंसर करके आओगे। आ गई बात समझ में, चलते हैं नेक्स्ट, ओके देखते हैं कौन जीता है ये मेंटी, तो लाइव प्रोसेस की मेंटी जीत चुके हैं मेरे बच्चों, नीचे से आराध्या, प्रियंका तेजी से दौड़ रही है, ऊपर याची बैठी है, रिया बैठी है, घनानंद बैठे हैं, केशव बैठे हैं, लेकिन मेरे बच्चों याची ने ये मेंटी जीत के दिखा दी है, एक ग्रांड सलूट मेरी बच्ची को, इसी तरीके से पढ़ती रहना मेरी बच्ची, तो याची का चैलेंज मौजूद है मेरे बच्चों, लड़कियां जीत गई हैं ये चैलेंज, तो 2-1 से लड़कियां जीत गई हैं। एक बार सारे बच्चे याची को नीचे कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, याची यानी लड़कियां 2-1 से आगे हैं, ऑन डिमांड चैप्टर, नेक्स्ट मेंटी किसकी करोगे जल्दी बताओ, 2-1 से गर्ल्स आगे चल रही हैं, है ना, तो लड़के पीछे हो गए हैं, वापस से लड़के पीछे हो गए हैं, सेकंड नंबर पर भी रिया थी, थर्ड नंबर पर घनानंद, फोर्थ नंबर पर केशव, फिफ्थ नंबर पर प्रियंका, फिर हिटलर का सिस्टम, फिर आराध्या, अभिषेक, युग और अभिषेक दास, सारे बच्चे जुड़े हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, लाइक की संख्या 51 करो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेंटी करा रहा हूँ मैं, बच्चे बोल रहे हैं मैथ्स मैथ्स मैथ्स, अगर सारे बच्चों मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो एक बार मैथ्स मैथ्स लिख दो, और कुछ बच्चे मिक्स बोल रहे हैं तो मिक्स करा देता हूं मैं, सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटर करा दो, बिल्कुल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आएगी, अब एक दिन में सब कुछ थोड़ी ना कराऊंगा मैं, धीरे धीरे रोजाना आप मुझसे साथ जुड़ोगे तो रोजाना एक चीज पॉसिबल नहीं है ना। अब कुछ बच्चे होते हैं सर आपने आज मेरे को मैथ्स नहीं कराई, सर सर आपने आज ये चीज नहीं कराई, अरे और चीज भी तो कराई है अपन ने, तो
तो कभी मैथ्स मिस होगी, कभी लाइफ प्रोसेस मिस होगा, कभी क्या होगा, तो रोजाना रोजाना सारे सब्जेक्ट और सब चीज़ें तो नहीं करा पाएंगे। इसलिए तो हम रोजाना मेंटी रख रहे हैं, वीक में कम से कम 4-5 बार मैं मेंटी रख लेता हूँ, और मैं तो हफ्ते पर पूरे हफ्ते रख लूँगा। अगर आप लोगों का जोश और जुनून रहा, आपके कमेंट आते रहे तो अच्छा लगेगा मेरे को, और आप शेयर करोगे दोस्तों के साथ में, तो बताओ कौन सा चैप्टर छोड़ूंगा मैं। कोई कुछ नहीं छोड़ने वाला, आप बस पढ़ते रहो और मुझे बताते रहो कि क्या पढ़ना चाहते हो। ऑन डिमांड पढ़ाई होगी इस बार सर। 10th में 1-3 में रहता था, 1-3 में रहता था, और अब 10th पोजीशन में हूँ। कोई बात नहीं, जो बच्चे थोड़ा सा रैंक नीचे जिनकी आ रही है, उनके लिए बहुत बढ़िया बात है कि अब उनका मोटिवेशन हाई हो गया है, अब वो अपने आप को प्रूफ करना चाहेंगे, तो बिल्कुल प्रूफ करो। जो इन बच्चों की रैंक नीचे आई है तो वो पढ़ाई करो, वो लक्की हैं जिनकी रैंक नीचे आई है, उनको मौका मिला है दोबारा से अंदर अपने अंदर जोश पैदा करने का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, मैथ्स लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, मैथ्स की महामेंटी ट्रिगो प्लस ऐप एपी, ट्रिगो प्लस एपी करा देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, ट्रिगो प्लस एपी की एक मेंटी नज़र आ रही है मेरे को, एप्लीकेशन ट्रिगो प्लस एप्लीकेशन नहीं, ट्रिगो प्लस ऐप एपी करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आओ ये वाली देखते हैं कैसी है, मैंने भी देखी नहीं, मुझे भी नहीं पता, तो ये मुझे तगड़ी लग रही है, आ जाओ देखते हैं ट्रिगो प्लस एपी, आ जाओ फटाफट फटाफट। कुछ बच्चे ह्यूमन आई मांग रहे हैं, तो अभी ह्यूमन आई पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चों, जल्दी सी मैं पोल को एंड कर देता हूँ, एक काम करता हूँ और कल के लिए पूछ लेता हूँ। मैच जीत गई बच्चों, 57 वोट बच्चों ने डाले हैं। बच्चों देखो, वोट तो तुमने 57 डाल दिए, लेकिन अंकित सर को अभी तक तुम लोगों ने 57 लाइक नहीं किए हैं। बताओ 57 वोट पड़े हैं, इसका मतलब तुम लाइक में कंजूसी करते हो। हाँ अभिषेक दास, 11th की मेंटी लाऊंगा बेटा, पहले एक बार बच्चे इकट्ठे करो सारे के सारे जो 11th की मेंटी करना चाहते हैं, तो अपन एक दो दिन करके देखते हैं मेंटी, ठीक है ना। चलो जल्दी सी, तो ठीक है, तो बिल्कुल आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ, अभी मैं एक बार पोल लगा रहा हूँ। चलो ठीक है ना, आप कल कौन सी मेंटी करोगे, कौन सा चैप्टर आपके लिए लाया जाए, उसके लिए आप मेरे को किसी भी वीडियो के नीचे मैसेज कर सकते हो कि सर इस चैप्टर की मेंटी लाओ। जो ज़्यादातर बच्चे जिस चैप्टर को मैसेज करेंगे तो उसकी मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ऐसे तो मैं कैसे करूंगा बताओ, ठीक है ना। तो आपका फीडबैक और आप जो चाहते हो वो मुझे बताते रहना, सजेशन देते रहना, ठीक है ना, वो काम होता रहेगा। अब मैं आपको मैथ्स करा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री और एपी है, ट्रिग्नोमेट्री और एपी मैथ्स करेंगे, फटाफट जल्दी से आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से करेंगे। सर कल सब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव बच्चे नहीं करना चाह रहे, मैंने देख लिया एक बार भी, तुम्हारे अलावा किसी कोई भी बच्चा नहीं बोल रहा है, देखेंगे बच्चे बोलेंगे तो करा देंगे, अभी कोई नहीं बोल रहा है इसलिए मैंने बनाना बंद कर दिया है। बनाया था मैंने एक क्वेश्चन, सर इंग्लिश ग्रामर रखो ना, प्रदीप बोल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर भी रख रहे हैं, लेकिन अभी तो अब तुमने लाइक की संख्या भी रुक गई है, देखो 51 लाइक खत्म हो गए हमारा। सर बहुत मेहनत की, 14/14 सही सर, तब भी रैंक 7 आई है। कोई बात नहीं बच्चा, धीरे धीरे अच्छा करोगे। हाँ लिंक दे देता हूँ आप लोगों को बच्चों, जल्दी से लिंक दे दूंगा, और देखो अभी लास्ट में बच्चे ही नहीं है, तो अगली मेंटी में कैसे रखूँ बताओ। अभी 21 बच्चे हमारे को देख रहे थे, अब बहुत कम बच्चे जुड़े हैं, अब उनके अंदर जोश जुनून ही नहीं है, केवल सर अपनी सर ही तोड़ना जोश और जुनून दिखाएंगे, बच्चों में भी तो होना चाहिए ना। ठीक है तुम्हारे को कोड दे रहा हूँ, फटाफट नेक्स्ट मेंटी देखेंगे बच्चे जुड़ते हैं, अगर 20-25 बच्चे लगातार जुड़े हुए रहते हैं तो करा देंगे। ये डिपेंड करता है देखो आप लोगों के ऊपर, आप भी समझते हैं। 7305 7305 4577 4577, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे 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 विद्यार्थी, जल्दी से ये लो लिंक लो, फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। सर ये इमोजी देखकर भूख लग गई, कौन सी इमोजी देखकर, तुम भूखे ही बैठे हो क्या, और मैं इतनी देर से भूखा बैठा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मेरे को कितनी भूख लगी होगी, कंट्रोल करो अपनी इंद्रियों पर,
तुम्हारी इंद्रियां जो इधर उधर भटकती है ना, उस पर कंट्रोल करो मेरे प्यारे 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 विद्यार्थी। चलो आ जाओ, अब सुनो मेरी बात। याची अभिषेक चैलेंजर, याची का चैलेंज ले लिया मैंने, लड़कों और लड़कियों का चैलेंज बोलो, बॉयज और गर्ल्स में चैलेंज बोल दो फटाफट, शेयर करो, लाइक करो। स्टार्ट करते हैं 51 लाइक पर, स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर आपका ये तकिया कलाम अच्छा है। अरे कौन सा तकिया कलाम कौन सा वाला तकिया कलाम मेरे बच्चा, है ना। बॉयज और गर्ल्स का चैलेंज है, याची का चैलेंज आ गया, लड़कियों में याची याची चैलेंज दे रही है। इधर हमारे को युग ने चैलेंज दे रखा है, युग का चैलेंज ले लिया मैंने। अनीश चैलेंज दे रहे हैं लड़कों में, अनीश चैलेंज दे रहे हैं। देखते हैं मैथ्स में चैलेंज है बच्चों, देखते हैं मैथ्स तो अच्छे से करो यार, मैथ्स तो प्रैक्टिस का गेम है, गलत होता है तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारे को रोजाना मैं पांच पांच क्वेश्चन भी करा दूंगा तो सोचो तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी तो मैं मैथ्स की सीरीज चालू है, PYQ क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन और क्या है वो PYQ क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक, हाँ सैंपल पेपर भी कराने वाला हूँ, टेंशन मतलब सैंपल पेपर कराएंगे, एडुकार्ड के एसवाल के जो भी बोलोगे वो कराने वाला हूँ। अच्छा ये बताओ कल मैं वो कल मैं लगा दूंगा PYQ सीरीज, कल चालू कर दूँ, कल लगा दूँ एक वीडियो, देखोगे सारे बच्चे तो बता देना मेरे को, मैंने बीच में रोक दिया था। मायू आ चुकी है, मायू का चैलेंज ले लिया लड़कियों में, मायू मायू का चैलेंज आ गया है, ठीक है ना। अभिषेक चैलेंज देते हैं, अभिषेक का चैलेंज ले लिया है अभिषेक, ठीक है। बहुत कम बच्चे जुड़े हैं तो मैंने तीन तीन बच्चों का चैलेंज ले लिया है, तीन तीन बच्चों का चैलेंज ले लिया है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। अच्छा ये वाला तकिया कलाम, थैंक यू प्रदीप मेरे बच्चा, थैंक यू। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं मेंटी को, मेंटी स्टार्ट करते हैं फटाफट फटाफट, बहुत कम बच्चे जुड़े हैं। स्टार्ट द सेशन प्लीज, ओके जल्दी सी स्टार्ट द सेशन प्लीज। हमें लड़कों में चैलेंज दिया युग ने, अनीश ने, अभिषेक ने, ठीक है। लड़कों में चैलेंज है युग का, अनीश का और अभिषेक का। गर्ल्स में चैलेंज है याची का और मायू का। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और मुझे प्रियंका ने भी चैलेंज दे दिया है लड़कियों में, और प्रियंका का भी चैलेंज हो गया। स्टार्ट द सेशन प्लीज, ओके। देखो मैथ्स कराते ही बच्चे भाग गए, अब आइंदा में मैथ्स वैस नहीं कराने वाला आप लोगों को, ठीक है। मैथ्स में कोई बच्चे नहीं जुड़े हैं। स्टार्ट स्टार्ट सर, अभी सब शपथ लेंगे कि मैथ्स में कोई गूगल नहीं करेगा। हाँ पहली बात तो देखो कोई गूगल मत करो, कॉपी पेन लेकर के बैठो और अपना अपना सॉल्व करो, तभी तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। ऐसे तो तुम प्रैक्टिस करते नहीं हो, तो मैं सोच रहा हूँ मेंटी के माध्यम से तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए। और कौन कॉपी पेन कौन कौन लेकर के बैठा है एक बार बोल दो, यस सर मैंने ले लिए, मैंने ले लिए, मैं ईमानदार हूँ और मैं अपनी तरफ देखूंगा क्योंकि मेरी ईमानदारी मेरे काम आएगी। बिल्कुल सर मैं रेडी हूँ, और मैं कमेंट बॉक्स में आपको स्टेप बाय स्टेप्स आंसर भी बताता रहूंगा या रहूंगी, जो भी है व्हाट एवर मैटर। चलो यस सर यस सर यस सर, हथियार रेडी, यस सर हथियार रेडी, क्या बात है मोनिका, बहुत बढ़िया। अगर हथियार रेडी है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार्ट द सेशन प्लीज, कम ऑन। एक बच्चा बोल रहा है सर मेंबरशिप ऑटोमेटिक हट गया कैसे। नहीं यार मेंबरशिप ऑटोमेटिक नहीं हट सकता मेरे बच्चा, ये तो मंथ कंप्लीट होने के बाद ही हटता है, हट ही नहीं सकता ये तो कोई ग्लिच है, या तो मेंबरशिप हट ही नहीं। अच्छा मेंबरशिप ऐसे हट गया मेरे बच्चा कि आपने मेंबरशिप ली होगी फिर पेमेंट का कोई इशू होगा, पता नहीं, आई डोंट नो, ये तो तुम ही बताना। सर अगर ईमानदारी या नहीं की तो एग्जाम में फंसेंगे। यार प्रदीप इतनी अच्छी सोच तुम्हारे पास है, तुम जैसे बच्चों की सोच, तो मेरे को ऐसे ऐसे बच्चे चाहिए, भगवान कसम मैं फाड़ के रख दूंगा भगवान, ऐसे सिस्टम। अब बच्चे ने कितनी शानदार बात लिखी है कि सर अगर हम यहाँ पर चीटिंग करेंगे, क्योंकि ऊपर वाला तो देख ही रहा है, और अगर हम यहाँ चीटिंग करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा 10th क्लास के मेन एग्जाम में, मेन एग्जाम में हो ही जाएगा। तो बच्चों बस यही समझाना चाहता हूँ, यही बुद्धि का यूज करो तुम लोग, भगवान कसम आनंद आ जाएगा। ये ऐसे बच्चे चाहिए यार मुझे। अब करो तुम ये क्या इसको सब्जेक्टिव समझो कि मैंने तुम्हारे को एक क्वेश्चन दिया है, अब तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी है, दिमाग लगाना है। नहीं आता नहीं पढ़ा तो नीचे लिख दो सर हमने ये नहीं पढ़ा था, लिख दो सर नहीं पता था। 7 बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया, आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी सी लीडर बोर्ड देखेंगे बाद में। सर ये तो चैप्टर 9 का है, अब चैप्टर 9 हो चाहे कुछ ही हो, तुमने बोला कि सर हम मैथ्स पूरी कराओ मिक्स कराओ, ठीक है ना, मिक्स आ गई। अब तुम्हें पढ़ना तो है ना, प्री बोर्ड आने वाले हैं बच्चों। हाँ अभिषेक दास बेटा बोलो,
सर ग्लीच होगा सर, मैं चेक करके आता हूँ। हाँ बेटा बताना मेरे को, है ना, ठीक है ना, क्योंकि तुमसे ज़्यादा दुख मुझे होता है। मेरे बच्चे मुझे तुम कैप्टन दिखते हो ना, बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है, बताना मेरे बच्चा तुम मुझे, ठीक है ना, मुझे ज़्यादा दर्द होता है ये चीज़ें, मेरे बच्चों के साथ में प्रॉब्लम होती है तो। H85=15/7 मोनिका, केवल मोनिका मुझे सही आंसर दे रही है। हो सकता है, लगता है मुझे केवल एक ही ईमानदार बच्ची है जो वाकई में मेहनत कर रही है और कॉपी पेन लेकर के सॉल्व कर रही है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, स्टेप बताओ, 75 मीटर सॉल्व करो, अगर नहीं आता है तो लिखो, मेरे को ये चीज़ लिख दो। देखो तुम्हें, मान लो कि तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो लिखो सर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो मुझे समझ में आ जाएगा मेरे बच्चे ने नहीं पढ़ा है इसलिए नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, और अब प्री बोर्ड आने वाले हैं तो हमारा लक्ष्य प्री बोर्ड है, ठीक है ना। अब एक महीने बाद तो मिक्स मेंटी आएगी, सभी मेंटियाँ कराऊंगा मैं, सभी सब्जेक्ट हम करने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ अपनी स्पीड बढ़ाओ। क्या तुम लोग बच्चे नहीं चाहते कि मैं स्पीड में तुमको सारे सब्जेक्ट और सब चीज़ें करवाऊँ? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन वाले से है। टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 30 मीटर हाई देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बताओ, ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी तुमसे नहीं होंगे सॉल्व तो कैसे काम चलेगा। सर प्लीज़ इसके बाद बायो करवा दीजिए, देखते हैं बच्ची। सर ये गलत हो गया है, कोई बात नहीं बेटा, तुम कोशिश कर रही हो और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गलत सही से मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर तुम कोशिश कर रहे हो और अगर तुम जुनून है तुम्हारे अंदर पढ़ाई करने का, तो बस तुम सक्सेस हो जाओगे, टेंशन मत लो, गलत सही से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, केवल एक ही बच्ची आंसर क्यों दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तोड़ेंगे, फटाफट तोड़ेंगे, आंसर करेंगे। जल्दी करो, लेकिन जल्दी करो, फटाफट करो मेरे बच्चों। सर मेरा भी गलत हो गया, कोई बात नहीं राजेश बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। यस, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो ये ने एक और क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए, मैथ्स है ना, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है तो मांगती है। इस क्वेश्चन का केयरफुली आंसर करो। देयर आर टू टेम्पल्स, वन ऑन ईच बैंक ऑफ रिवर्स जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। वन टेम्पल्स इज 40 मीटर हाई, एक टेम्पल जो है वो 40 मीटर हाई है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस टेम्पल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अदर टेम्पल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली द विड्थ ऑफ द रिवर। तो रिवर की विड्थ बतानी है आपको। अच्छा ये चैप्टर किस किसने नहीं पढ़ा है जल्दी बताओ, कौन से चैप्टर से ये बता दो, चलो यही बता दो तुम मुझे, कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन बताओ, किस किस को नहीं आता है, किस किस को नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट, और आप पढ़ना स्टार्ट करो। अब ये जो तुम्हारी कॉपी किताबों पे धूल लगी हुई है ना, उन कॉपी किताबों को उठाओ, पन्ने पलटना स्टार्ट करो, और अपनी और जो रफ कॉपी खरीदी है ना, उस रफ कॉपी को भरो जितना भर सकते हो, ठीक है ना। तो एक अच्छी जगह पर पैसा खर्च करो, जितनी रफ कॉपी भरोगे उतना तुम्हारे को फायदा होने वाला है। तो बी प्रैक्टिकल, कलम चलाओ। तुम बोलते हो ना कि एग्जाम में तुम्हारी स्पीड कम है, तुम्हारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, आते हुए क्वेश्चन तुम्हारे नहीं होते हैं, तुम्हें ये नहीं पता होता कि कलम कैसे उठाएं। आता तो है सर क्वेश्चन, लेकिन हमें रिकॉल नहीं हो पाता, हम पेपर में उतार नहीं पाते हमारी सोच को। क्यों नहीं उतार पाते? क्योंकि तुमने पहले से प्रैक्टिस नहीं करी है, तुमने कॉपी और पेन में काम ही नहीं करा है, तुम हवा में काम करते हो। यस, तुम्हें जोर आता है, तुम्हारे को आंसर देने में जोर आता है, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ध्यान में रखना इस बात को। प्रदीप बोल रहे हैं सर मैंने नहीं पढ़ा। मोनिका दोषी बोल रही है सर आपके क्वेश्चन भी तो बोला था ना सर, सर एपी के क्वेश्चन भी तो बोला था ना सर, कोई बात नहीं सर मैंने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो अब मुझे पता लग गया ना कि तुम्हारी तैयारी इतनी खतरनाक नहीं चल रही है। अब तुम्हें एक एक दो दो क्वेश्चन ही कराने पड़ेंगे, एपी करानी पड़ेगी, कोई नहीं। अभी एपी तुम बोल रही हो ना, एपी मैं कल लगा दूंगा, देखते हैं तुम कितना चैलेंज पूरा करती हो, पूरी क्लास कौन कौन देखता है। कल एपी के क्वेश्चन आ जाएंगे, कल पूरी उस क्लास में बताना, लाइव क्लास में बताना, एक एक क्वेश्चन को उस टाइम मैनर में सॉल्व करने की, मेरे से पहले सॉल्व करने की, तब आएगा मज़ा, असली मज़ा कल आता है। देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, अभी मेरे को रिकॉर्डिंग करना बाकी है, तो मैं कल हो सका तो ज़्यादातर
कोशिश करूंगा कल लगा दूं, ठीक है ना। तो 10/10 का चैलेंज रहेगा, बताओ एपी मांग रही हो ना, चलो कल मैं तुम्हारे कारण कल मैं लगा देता हूँ एपी। कितने बजे लगाऊं, मेंटी कितने बजे करें, और अगर मेंटी भी करें तो कितने बजे करें, और वो क्वेश्चन की सीरीज कितने बजे लाऊं, जल्दी बताओ, ठीक है ना। फटाफट टाइम नहीं मिलता ना यार, बात ये है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता मेरे को, फिर भी तुम लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। प्रदीप दावे, मैं नहीं पढ़ा, युग ने नहीं पढ़ा सर, मेरा हो गया है बट आ नहीं रहा, आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, तो तुम्हें ये नहीं आता तो एक काम करता हूँ, इसको छोड़ता हूँ और एपी या कुछ 5 क्वेश्चन है वो लेकर के आता हूँ, इस मेंटी को मैं छोड़ रहा हूँ, हो सकता है तुम लोगों ने नहीं पढ़ाई करी हो, दूसरी मेंटी ला दूँ। सर 7:30 बजे प्रीमियर लगा दो एंड 8:30 बजे मेंटी रखो, देखते हैं बेटा कि 9:30 रखते हैं 8:30 रखते हैं, वो देखते हैं कल। सर बायो या इंग्लिश लिटरेचर ला दो, सर एपी के लिए आओ, एपी कल करते हैं फिर भाई, एक काम करते हैं जब तुमने ये सारे ही नहीं पढ़े। बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ और, फिर एक काम करते हैं, मैथ्स तो मैंने कराई थी 5 क्वेश्चन, अब 5 क्वेश्चन मैं तुम्हारे को इंग्लिश ग्रामर की करा देता हूँ, ताकि ये भी जस्टिफाई भी हो जाएगा, है ना। चलो मैथ्स हो गई है, अब मैथ्स को ढूंढने में अगर टाइम लगता है तो एक काम करो, इंग्लिश ग्रामर भी बच्चे मांग रहे थे, इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस भी कर लो, इंग्लिश ग्रामर फटाफट फटाफट तुम लोगों के सामने आ रही है, बस मजे मारो। लो इंग्लिश ग्रामर में मुझे बताओ क्या लाना है, मॉडल लाना है, डिटर्मिनेंट लाऊं, क्या लाऊं, बताओ जल्दी बोलो, मॉडल लाऊं, डिटर्मिनेंट लाऊं, क्या लाऊं, इंग्लिश ग्रामर में क्या लाना है। इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट ले आऊं, चलो डिटर्मिनेंट लाता हूं आप लोगों के लिए। 5 क्वेश्चन की है, फटाफट करो, ठीक है ना, जल्दी करो, लेकिन ताकि आज इंग्लिश ग्रामर भी हो जाए, मैथ्स के 5 क्वेश्चन कर ही लिए, अब ये इंग्लिश के भी ग्रामर के भी कर लो। अगर तुम लोगों को नहीं आती, सारे बच्चों को नहीं आती, लप्पा मार रहे हैं, कोई मतलब नहीं है फिर मैथ्स करने का, ठीक है ना। चलो आ जाओ, चलो फटाफट फटाफट, सर मॉडल्स ले आओ, सर एनीथिंग, डिटर्मिनेंट्स ले आओ, डिटर्मिनेंट्स ले आया हूँ मैं, चलो पढ़ो फटाफट, ज्वाइन हो जाओ जल्दी सी, 5 क्वेश्चन की है, मॉडल्स डिटर्मिनेंट्स, आ जाओ आ जाओ, चलो फटाफट फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ओके मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, ज्वाइन करो फटाफट फटाफट, ज्वाइन करो, लिंक, अरे मेरे बच्चे भी लिंक मांग रहे हैं भाई साहब, लिंक दे रहे हैं, मेरे से पूरी मेहनत कराते हैं, खुद मेहनत करते नहीं हैं। 2816 8729 8729, हाँ इंग्लिश ग्रामर की मेंटी है, ग्रामर करो, ग्रामर करो, ग्रामर की भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ग्रामर भी करना ज़रूरी है बच्चों, ठीक है ना, जल्दी जुड़ जाओ फटाफट फटाफट जुड़ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, मैं जल्दी स्टार्ट कर रहा हूं। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसको जुड़ना था वो जुड़ गया है, बस फटाफट फटाफट हो जाओ, चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं है, स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, मैं भी लेट हो गया हूं, मैं भी थक गया हूं, बोलने में परेशानी है, तुम्हारी सारी बातें मानता हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि ये चलो
चलो स्टार्ट स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड टिक 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 10 स्टार्ट द सेशन प्लीज कम ऑन। चलो जल्दी करो, फटाफट फटाफट करो, मैं भी काफ़ी लेट गया, खाना वाना भी नहीं खाया मैंने तो। सो प्लीज़ तुम्हारी सारी बातें रखे, तुम्हारे को सारी क्वेश्चन सब चीज़ों की क्वेश्चन करा दिए मैंने। तुम ग्रामर ग्रामर वाले बच्चे भी कह रहे थे कि ग्रामर भी कराओ, ग्रामर नहीं कराते हो सर, तो ग्रामर भी हो गई, मैथ्स के क्वेश्चन भी हो गए हैं। तो वो दोनों खुश हो गए, मैथ्स वाले भी और ग्रामर वाले भी। ग्रामर वाले कहते हैं सर ग्रामर नहीं होती हमारी, मैथ्स वाले कहते हैं मैथ्स नहीं होती। तो दोनों हो गए, पांच क्वेश्चन उसके कर लिए, पांच क्वेश्चन इसके कर लिए। लो गलत कर रहे हो, लो देख लो गलत कर रहे हो इतने सारे बच्चे। ये हालत है ग्रामर में भी। चलो जल्दी थी, स्कूल डज योर सन गोज व्हाट हुज विच हाउ। एक बच्चे बोल रही मोनिका दोषी सर आज तो बहुत गुस्सा आ रहा है सर आपके ऊपर। ठीक है मेरे बच्चे, गुस्सा कर लो तब आ रहा है तो कर लो, अब तुम कर सकते हो, तुम्हारा हक है मेरे ऊपर करने का। एक बच्चा लिख रहा है परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बच्चे युग बच्चा एंड युग ठक्कर अंकित सर ओपी प्रियंका एंड ऑल। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड जल्दी करेंगे, फटाफट फटाफट करेंगे। ओके मेरे बच्चों थैंक यू सो मच, योग आप ऑलराउंडर हीरो हो सर, थैंक यू सो मच। आई ऑलवेज कीप मनी इन माय वॉलेट, बताओ आई ऑलवेज कीप मनी इन माय वॉलेट, एनी मनी नो मनी क्या आएगा। 13 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है और यहाँ पर युग ठक्कर जोड़ रहे हैं ऊपर गोट PW प्रियंका ट्विटो एंड ऑल, बहुत ही बढ़िया। चलो स्किड्स याची दोषी एंड ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ओके मेरे बच्चों रमेश इज ए कीन प्लेयर, रमेश इज ए कीन प्लेयर बट अनफॉर्चुनेटली ही हैज फ्यू स्किल्स, ए लिटिल स्किल्स, ए बिट ऑफ स्किल्स एंड लिटिल स्किल। बचाओ ये बताओ जो स्किल्स होती है उसको काउंट किया जा सकता है क्या, काउंटेबल है क्या वो, तो क्या आएगा। 6 बच्चों ने सही आंसर दिया है, युग ठक्कर अंकित सर ट्यूटो याची स्टिंगलियस इट्स किट, सबने अपने अपने नए नए नाम लिखे हैं। चलो गलत हो गया बहुत सारे बच्चों का, आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट जल्दी करो। He gave me advice on the matter. Few, some, little, a little. B option is correct. Yes. Some advice. ये तो कोई बच्चा गलत ही नहीं करना चाहिए, 3 बच्चों ने गलत किया है, कोई दिक्कत नहीं। लीडर बोर्ड देखते हैं, जल्दी से लीडर बोर्ड देखते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पर याची युग परंपरा युग का दोस्त प्रदीप जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। और परंपरा प्रतिष्ठा और अनुशासन, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, क्या बात है। जो भी जीता है उसका नाम नहीं है इसलिए नाम क्या लेंगे, लेकिन उसके नीचे नीचे आते हैं तो नाम मेरे को सबसे पहला नाम मिलता है याची का। तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ बच्चों जो ये ग्रामर जीती है वो याची नाम की लड़की जीती है, तो बहुत बढ़िया मेरी बच्ची याची। तो याची के लिए ग्रैंड सैल्यूट, सारे बच्चे पर याची को कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे। ग्रामर की मेंटी भी याची जीत गई है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में नाम नहीं है, ठीक है ना। चलो बच्चों लेते हैं आप लोगों से अलविदा, क्योंकि मैं भी काफ़ी थक गया हूँ और मैंने भी खाना नहीं खाया है, फिर लेट नाइट हो जाएगी, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो अभी बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही आपके साथ में, ठीक है ना। अपना अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहो, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। और अपने बिल्कुल भरोसा रखो अपने ऊपर, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो लेता हूँ आप लोगों से अलविदा, बाय मेरे बच्चों, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, ठीक है ना। देखते हैं 25 वोट पड़े जिसमें 92 बच्चों ने कहा कि हाँ सर कल मेंटी करा देना, थैंक यू सो मच, बाय ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बाय बाय बाय।